Hi everyone, I'm Gurutlan Baloch. If you like this video, please like and comment and do subscribe to the channel Rewind with Samina Pirzada. तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी होगा इस पूरी कंट्री में, क्योंकि जो वाकयात अनफोल्ड हुए हैं ओवर द पास्ट फ्यू डेज और जो बातें सामने आई हैं, ये जो हमारी, मैं कहूँगी कौम की बेटी छोटी जैनब के साथ जो हुआ उसके ऊपर जो बात हो रही है, और उस टॉपिक के रेज होने से बहुत सारे और जो वाकयात जो सिमिलर थे जो सामने आए हैं, ये सुनकर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी माँ, कोई भी इंसान इस वक्त, बल्कि मैं क्या रिश्ता मैं जो है इसमें से निकालूँ, कोई भी इंसान जो अपने आप को इंसान कहता है, वाकई जो हैवान नहीं है इन रियलिटी, कोई भी इस वक्त खुश नहीं हो सकता। किसी के भी दिल की हालत जो है वो ठीक नहीं होगी। ऑल ओवर द कंट्री प्रोटेस्ट हुई हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे हमारे ये पॉलिटिशियंस हैं, चाहे सोशल वर्कर्स हैं, चाहे आम लोग हैं, सब सड़कों पर आए, सब ने प्रोटेस्ट की, और इस बात के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसको सामने लेकर आया गया है, और इंसाफ की डिमांड जो है वो हर जगह मांगी जा रही है। इस चक्कर में होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो मीडिया का, क्योंकि मीडिया पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको हर जगह जो बातें पहले दब जाती थी, जो पता नहीं चलती थी, अब आपको एक एक पल की खबर जो है वो मिल रही होती है, तो कभी कभी बहुत इरेस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही होती हैं। और मैं क्यों मेंशन करती हूँ कि हमारे किसी पॉलिटिशियन ने जो है इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है, या हमारे किसी जर्नलिस्ट ने इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है, या टीवी के ऊपर जो शो किसी ने किया है उसके अंदर फजूल किस्म की बात की है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। सबसे पहले तो जो हमारे सहाफ़ी ब्रदर्स हैं, सारे जितने भी ये हमारे भाई और बहनें हैं, ये जाके कभी कभी ऐसे सवालात करते हैं कि आपका दिमाग जो है ना वो उसे एडजस्ट नहीं कर, वो अब्जॉर्ब भी नहीं कर सक रहा होता। वो कहते हैं मतलब अगर इंसान में हल्की सी भी थोड़ी सी भी अकल होती है तो उसको इस तरह की बातें करना जेब नहीं देती। जिसमें से एक सवाल जो कल किसी जर्नलिस्ट ने जैनब के वालिद साहब से किया कि जैनब की कोई अच्छी आदत बता दें, मतलब आपको सिर्फ कंटेंट जमा करने के लिए, सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आप जो है वो तस्वीरें भी दिखाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर जो है टीवी पे तस्वीर माइनर की नहीं दिखाई जाती, हमेशा ब्लर्ड होता है, विक्टिम की नहीं दिखाई जाती, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उसके बाद आप इस किस्म के सवालात करें कि अच्छा भाई मेरे हाथ में माइक भी आ गया है और मेरे सामने एक इंसान भी आ गया, तो मैंने कोई ना कोई, चाहे बेतुका सवाल ही क्यों ना हो, मैंने करना तो ज़रूर है। उसके बाद जो कि इससे मैं कहूँगी एक और अफसोसनाक वाकया जो हुआ कि जब प्रोटेस्टर सामने आए तो उनके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें से दो लोग जो है वो जाँ बहक हो गए, तो जब इसके बारे में किसी से पूछा जा रहा था, अब आई विल नॉट मेंशन स्पेसिफिक नेम्स, तो आगे से उनका जवाब ये था कि आप आग तो ना लगाएं, कि मतलब अगर आप बाखबर कर रहे हैं दुनिया को, अगर आपकी कोताहियों को सामने लेकर आया जा रहा है कि ये दिस इज़ नॉट हाउ द फोर्स इज सपोज टू एक्ट, कि आप कभी भी डायरेक्ट गोलियां जो है लोगों पर नहीं चलाते हैं, आपके पास ब्लैंक्स नहीं है, पहले तो ये बात समझ नहीं आती, तो उसको भी जो है ये कहा जा रहा है कि आप कौम को वरगलाएं मत, क्या मतलब, वी आर रिपोर्टिंग, आपकी कोताही अगर सामने लेकर आई जा रही है तो ऐसा ही है। और फिर इस वाक्य से हुआ ये है कि बहुत सारी और बच्चियाँ जिनके साथ ऐसा हुआ, उनके शायद पेरेंट्स में या उनके जानने वालों में थोड़ी सी हिम्मत आ गई है कि वो भी सामने आए हैं और वो भी केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं बैक टू बैक, छोटी बच्चियों के साथ, 7 साल की बच्ची, एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम कायनात है, उसको भी जो है इसी का निशाना बना के उसके बाद कहीं पर डंप कर दिया, लेकिन वो सर्वाइव कर गई है। इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में है और उसके अब्बू उसकी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि वो बिलोंग कहां से करती है और कहां पर जो है, आप लोग अगर कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं तो उनकी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्वाइवर जो है हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तो इन सारी बातों से, जैसे मैंने आपको कल कहा कि परसों ये वाकया हुआ था, मैं सुबह आई, मैंने यहाँ पर ये बात मेंशन की, मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैंने उसको ऐसे ही मेंशन किया क्योंकि पहला वाकया नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ हवा पकड़ लेती है, जब कोई जो है एक वेव चल जाती है जिसके बारे में सब बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कोई स्पेसिफिक, कोई सिग्निफिकेंट चेंज लाने का हमारे लॉ में, हमारे लॉ मेकर्स में, हमारे जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ उनमें, और सारे वो लोग जो इस चीज़ से कंसर्न्ड हैं। तो अगर ये बात सामने आई है और अगर इस बात को इतना ज़्यादा बार बार हर चैनल पे इसको रिपीट किया जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जब इसके परपेट्रेटर को पकड़ा जाएगा, जब जिसने ये किया है उसको पकड़ा जाएगा, तो उसको भी एक जो है एग्जाम्पल बनाया जाएगा उन सब बाकी सिक माइंडेड लोगों के लिए जो इस तरह का सोच भी सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, जो जब हमारे हमारे साथ आज एक्सपर्ट पैनल भी है, तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि एक बात हमारे एक बहुत जाने माने पढ़े लिखे, जिनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी पहले, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात की जो सुनकर मुझे समझ नहीं आती कि मैं और किस तरह
पढ़े लिखे इंसान से अगर ये बात निकल रही है तो चलो जाहिल को तो मैं कहूँ ना जाहिल है, उसको कोई एक्सपोजर नहीं है, मुझे समझाना है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बात करता है, उन्होंने बात काफ़ी लंबी की और उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी, लेकिन उस बात का जस्ट ये था कि हम लोग जितना लोगों को सब कुछ दिखाते हैं, जो हमारा मीडिया दिखाता है, जिस किस्म के ड्रामे हम दिखाते हैं या सारा कुछ दिखाते हैं, उससे लोगों के अंदर मतलब फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है और फिर उनके पास जो भी बंदा आता है वो उसके ऊपर जाके वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। मतलब कि अगर रेप हो रहा है या कोई मोलेस्ट हो रहा है या किसी के साथ अगर कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन वही आ गया कि पर्दा कर लो, चादरें ओढ़ लो, अपने आप को ताले लगा लो, घर के अंदर बैठ लो, क्योंकि एक मर्द जो है वो इंसान नहीं है, वो एक हैवान है, उसके सामने अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो उससे कंट्रोल नहीं होगा, वो तो झपटा मारेगा ही। कि उसके सामने अगर कोई चीज़ सामने पड़ी हुई है, और आपको पता है उन्होंने जो एग्जाम्पल भी दी बड़ी एक अजीब किस्म की, कि जब कोई इंसान मोटा हो जाता है तो उससे मिठाइयाँ दूर रखी जाती हैं कि उसको मिठाई नज़र आएगी तो वो तो खाएगा। एक तो आप किस चीज़ को किस चीज़ से तशबीह दे रहे हैं इतने बड़े आप जर्नलिस्ट हो के, उसके बाद एक मोटा इंसान अगर उसमें अकल है और उसे अपनी सेहत का ख्याल है तो उसके सामने 10 किलो मिठाई भी हो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसके पास अशरफ़ल मखलूकात अकल उसको दी गई है। तो ये किस किस्म की फजूल बात है कि अगर आप जो है ये करेंगे। फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स दी बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ की कि वहाँ पर तो ये नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई मेरे, थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करें तो ईरान के अंदर जहाँ पर बहुत 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 स्ट्रिक्ट लॉज हैं, शायद आपकी जो सोच है जो जहनीत है उसके साथ उसके मुताबिक लॉज है, वहां पर भी एक 7 साल की बच्ची के साथ ही ये ज्यादती हुई और उसके बाद जो उसको इबरत का निशान बनाया गया, जो सबके लिए एक एग्जांपल सेट की गई कि उसको बाहर चौक पे फांसी दी गई। तो ये तो ईरान में भी हुआ जहां पर आप कहते हैं सब ढके चुपे हैं जी, कुछ भी ये चीजें कोई अलाउड नहीं है, उनका टीवी भी बड़ा डिफरेंट है हमसे। फिर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ वेस्टर्न सोसाइटी की, जहां पर आपने देखा है कि क्या कुछ होता है या कैसे होता है, उनके लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं ये होता नहीं, लेकिन उनके लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि बावजूद कि जैसा भी उनका मीडिया है या जो कुछ भी दिखाते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं हो सकता। तो ये बात करना आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि जब भी आप ऐसी कोई बात कर देते हैं, आप सारा कसूर बच्ची पे, बच्ची की माँ पे, बच्ची के रहन सहन पे, उसके घर वालों पे, उसने क्या पहना, क्या किया, कहाँ जाती, कैसे रहती, उसके ऊपर डाल देते हैं। और वो जो सारा फोकस जो उस गलीज इंसान के ऊपर होना चाहिए जिसने ये हरकत की, जिसके दिमाग का ये फितूर था, जिसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, जिसको हथकड़ियों की सज़ा की ज़रूरत है, उससे हटा देते हैं। तो एक पढ़े लिखे इंसान होने की मैं कहूँगी अगर आपके पास ये इतने आप लकी थे, अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपके ऊपर माँ बाप ने पैसा लगाया, आपको इतना पढ़ाया लिखाया, तो इस किस्म की जाहिलाना स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं बनती कि आप जो हैं वो दीजिए। तो मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ता है जब भी मैं इस तरह की बात सुनती हूँ, और मैं इस पर बात करूँगी भी हमेशा, और मैं चाहती हूँ कि ये जब तक ये सोसाइटल शिफ्ट नहीं होगा, जब तक कसूरवार उस इंसान को नहीं समझा जाएगा जिसका कसूर एक्चुअली है, तब तक हम पर्दों में रह के अपनी बच्चियों को चुप करा दिया करेंगे और हम सामने नहीं आएंगे। ऐसे बहुत से वाकयात हैं, मेरी अपनी कुछ दोस्तें हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, और अगर मैं आपको आज वो स्टोरीज बताऊं कि जिस तरह 6 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 12 साल की बच्चियां उनके पास आती हैं, उनके साथ अपने घरों में अपने मामू ने, अपने चाचू ने, अपने स्टेप फादर ने, अपने किसी कज़न ने कोई ज्यादती की होती है, और उनकी माएँ और उनकी दादियाँ ये कहते हुए आती हैं कि बस इसको ठीक कर दो, हमने किसी को कुछ बताना नहीं, और उन्हीं मामुओं की उन्हीं चाचुओं की आगे शादियां भी हो जाती हैं और फिर उनकी बच्चियां होती हैं और वो उनको पता नहीं किन मॉरल्स के साथ रेज करते हैं। ये इसी वजह से कि शर्म अभी तक औरत के नाम के साथ जुड़ी हुई है, बेशक उसके साथ जितनी मर्जी ज्यादती हो जाए। तो इसके बारे में बहुत बात कर सकती हूँ। मैं गेस्ट आज के अनाउंस कर दूँ, हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि आज कश्मीरी चिकन बना रही हैं, डॉक्टर फवाद कैसर होंगे जो कि कंसल्टेंट फोरेंसिक साइकाइट्रिस्ट हैं, और ये जो है सारे सबूतों के साथ, क्योंकि इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट भी है, तो जितने भी सबूत होते हैं, किस तरह सबूत कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद साइकोलॉजिकली किस तरह जो है एक जो विक्टिम होता है जो आपके पास आता है उन्हें ट्रीट किया जाता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये जितनी भी मैंने बातें की ये मैं इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। हमारे साथ होंगे हुमैरा मसीहुद्दीन जो कि एक लॉयर है, और इतनी जितनी भी बच्चियाँ हैं जो पेरेंट्स हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं कि आगे इंसाफ कैसे मिलेगा, उनके पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, तो हम इनसे पूछेंगे। और मैं यकीनन इनके पास भी ऐसे बहुत से केसेस आए होंगे, तो आज मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी कि क्यों ये केसेस सामने नहीं आते या क्यों सजा जो नहीं होती। कनेक्शंस होना या किसी की बैक होना या सपोर्ट होना, ये बातें बहुत बाद में आ जाती हैं, पहले हिम्मत होना कि आप सामने आए और आप परपेट्रेटर को कैच करना चाहें, यह बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ होंगी मिसेस अशमा जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड, आपके बहुत से सवाल भी मेरे पास हैं, वो भी हम उनसे पूछेंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वापस आ गए हम। देखिए मुझे, मैं यहाँ पे चूल्हा जो है थोड़ा सा जला देता कि अब वार्म हो जाए। इस वक्त मैं वैसे ही बहुत ज्यादा, जो मैंने आज ओपनिंग की है ना जिस टॉपिक के ऊपर आज शो है, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा पानी शानी पीने की जरूरत है बिल्कुल। पानी ना पिए, जितना आप ब्लंटली बोलेंगे वो उतना अच्छा है। हाँ, सोई हुई हवा में ये पता नहीं कब जागेगी। आई होप के जाग जाए, आई होप। मैं तो, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से कसूर के, मुझे पता है जो छोटी छोटी कम्युनिटीज होती हैं, जो छोटे टाउन होते हैं, जो छोटे गांव होते हैं, उसके अंदर हर इंसान एक दूसरे को जानता है और बड़ी आसानी से आपको पता चल जाता है कि ये इंसान कौन है, उसकी हल्की सी भी अगर आपको झलक नजर आए। तो अगर आप लोगों को पता है कि वो कौन है, आपको पता है वो कहाँ पर है, तो प्लीज़ डरे मत, प्लीज़ सामने आए और प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए कि ये कौन था और कैसे जो है इसको मत डरे। आपके घरों में भी बेटियां हैं, हाँ, बहनें हैं, माएं हैं, हाँ, कब तक आप लोग बेहिस रहेंगे? मैं तो हैरान हूँ कि आप लोगों के घरों में भी औरतें और आप लोग दूसरों को देख के ऐसे सुकून से बैठे हुए, इनको तो हैंग करना चाहिए। हमारे साथ तो ऐसा कि बस हर किसी को ये होता है ना कि शुक्र है हमारे साथ तो नहीं हुआ, अभी हमारे साथ तो नहीं हुआ। अपने पे ही सोचना चाहिए ना कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ इस तरह हो तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम अभी क्या करेंगे, है ना। मैं बताती हूँ, मैं फेसबुक पे चाइना का पढ़ रही थी। हम, जी 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 बताइए कि उनके सदर ने, ये ऐसे एक हादसा हुआ है और उनके सदर ने उस बच्ची से जाकर खुद मिले और जाकर कहा कि जहां तक बेटा तुम चीखी थी उतना ही चीखो। जब वो दोबारा से चीखी तो वहां पर उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि जितने एरिया तक ये आवाज आ रही है ना उतने तमाम लोगों को अरेस्ट करो। जितने लोगों को वहां तक अरेस्ट किया गया उनमें से एक क्रिमिनल निकल आया और उसको उसी वक्त मार दिया गया। और अभी ईरान में भी हुआ है जिसकी तस्वीर फेसबुक पे हर जगह चल रही है कि उन्होंने उसको हैंग किया। हम लोग कब करेंगे, करें आप लोग? जब तक आप लोग ये एग्जांपल्स नहीं क्रिएट करेंगे तो हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बेहिस और बेशर्म हो गए हम इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह, भूल गए हैं कि हमारे भी घरों में है, हम मुसलमान हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, इंसान तो है ना आप लोग, कैसे इंसान है आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि जितना जल्द हो सके। कल एक खबर चली कि पकड़ लिया गया है और उसके बाद साथ ही जो एक खबर चली कि नहीं, आप जो है फॉल्स स्टेटमेंट अभी नहीं देनी है, तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि किसको पकड़ा है, किसने कहा है कि पकड़ लिया गया, कहाँ है, फिर दिखा क्यों नहीं रहे, क्या होगा उसके साथ। तो बस क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुंदर, मैं तो बिलीव करती हूँ सिंपल, आप बस उसको लटका दो, एग्जाम्पल्स क्रिएट करो, मत आप उसको जेल में डालें, मत उसको सजाए दें, सजा वैसे दें कि वो बचे ही ना। ऐसे एग्जाम्पल हो, लोगों के लिए एग्जाम्पल बने कि हम ऐसा ना काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, क्या बना रहे आज? आज हम बनाएंगे कश्मीरी चिकन, पाकिस्तानी। बहुत सारे डिजर्ट भी हो गए, इंग्लिश भी हो गया और कश्मीरी चिकन, इसमें क्या डिफरेंट है? कश्मीरी चिकन में अच्छा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ तरीका फर्क है बस। अच्छा, अगर आप ये देखें ना कि वही प्याज, वही टमाटर, वही लहसुन अदरक, हर चीज वही मिलेगी आपको, मगर आपको उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा फर्क होगा। और आप यकीन करें बड़े मजे के, एक तो इसमें थोड़ा सा दही दूध क्रीम का मुगलाई स्टाइल भी आप कह सकते हैं, उस तरह का भी है। और एक जो चीज उसमें खास डलेगी वो है शिमला मिर्च। सही, उसके साथ उसका फ्लेवर, लेकिन लास्ट पे हम डालेंगे। अमूमन हम जब कीमा दो प्याजा या शिमला मिर्च के साथ कुछ बनाते हैं, हम उसको हल्का सा एक चम्मच तेल में सौते करते हैं, तो हम इसको लास्ट में टॉपिंग पे बस एंड पे डालेंगे ताकि क्रिस्पी क्रंची ही आपके साथ खाने में नवालों में आए। और अच्छा, इसकी रेसिपी में कोई बहुत ज्यादा लवाजमात नहीं है, वही चीजें हैं जो घर में होती हैं। अमूमन शायद एक दो चीजें आपको जरूरत पड़े बाहर से लाने के लिए, तो उसमें एक तो चीज ये है, ये प्याज। अगर ये व्यूअर्स आपको प्याज नजर आ रहा हो तो ये मैंने रफ कटिंग में ब्लेंडर में इसको ब्लेंड किया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी इसका जो हम निचोड़ लेंगे ताकि पानी ना जाए, हम सिंपल सिंपल तरीके से करेंगे। मैं जरा साथ बिस्मिल्लाह भी कर दूं ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा सा बच सके। ये ऑयल या घी आपको जो भी पसंद है उसमें डालेंगे। प्याज आपने ग्राइंड किया हुआ है, मेरे पास एक किलो चिकन है तो मैंने ये तकरीबन 3 से 4 प्याज लिए थे, इनको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह से निकल आया है। इसको मैंने उबाला नहीं, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं तो आप उबाल सकते हैं और उबाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए तो टमाटर है रफ कटे हुए, ये 3 से 4 आपको लेने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बाउल की तरफ देखें तो ये है मेरे पास एक बोल दही, एक पाव आप कह सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। अच्छा, उसके बाद आपको अगला जो नजर आ रहा है वो 1 कप दूध है, तकरीबन 200 ग्राम कह लें, एक जो छोटा पैकेट होता है वो है। अगर पैकेट की जगह आप वैसे दूध देखते हैं तो 1 कप आपने लेना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो लवाजमात नजर आ रहे हैं ये सब गार्निशिंग के लिए हैं। इसमें धनिया पुदीना ये लाजिम डलेंगे, उसके बाद शिमला मिर्चें जो आखिर में टॉप पे डलेंगी जिसके वजह से ये कश्मीरी कहलाएगा। हरी मिर्चें आपकी पसंद पर हैं, जो आपको पसंद है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास है लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट,
जो लाजिम होता है जब हम ये पिसी हुई प्याज इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास जुलियन कटा हुआ अदरक है जो टॉपिंग पर डलेगा, बीच में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये 1 से 2 चम्मच आप ले लें, ये अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, सर्दियों में वैसे भी अदरक अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, मेरे पास क्रीम है, फ्रेश क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम, ये नहीं है तो दूध पर से जो बलाई है वो उतार लें आप, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चूंकि ये थोड़ा सा कश्मीरी जो है, ये दही भी है दूध भी है, तो क्रीम से बड़ा रिच फ्लेवर इसका आ जाएगा। अगर आप इधर देखें तो मेरे पास ये है कोकोनट, डिसिकेटेड कोकोनट, यानी कि ये पिसा हुआ खोपरा, ये मार्केट में हर जगह मिल जाता है और महंगा भी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सस्ता है, शायद 30 रुपये पाव है या इस तरह से करके है। तो ये आप पिसा हुआ खोपरा आपको मिल जाएगा, ये आपने 2 से 3 चम्मच डालने हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप बादाम इस्तेमाल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, मगर इसकी रेसिपी में ये खोपा ही है। अच्छा अच्छा अमूमन जो क्रीम वाली चीज़ें होती हैं उनमें हम हल्दी का लाजमी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हल्दी आपने ज़रूर डाली है, उससे रंग अच्छा आता है, और नमक, नमक तो अच्छा कश्मीरी जितनी भी डिशेज होती हैं उसमें अमूमन क्रीम और बलाई और दूध और इस तरह की चीज़ें ज़रूर शामिल लाजमी होती हैं। बिल्कुल, सुंदर मुझे एक चम्मच अगर आप पास कर दें प्लीज़, बिल्कुल होती हैं। अच्छा, कोई इसमें तरद्दुद नहीं करना, चीज़ें वही हैं। अब आप देखें घर में आपके पास सब चीज़ें ये वही हैं जो आप बनाएंगे, आम चिकन कौरमा या मटन कौरमा, लेकिन सिर्फ बनाने का थोड़ा सा प्रोसीजर फर्क होने से जायके में चेंज आ जाता और है, डिश भी जो है वो चेंज डिश हो भी जाती चेंज हो जाती है, उसका नाम बदल जाता है, उसका जायका बदल जाता है। इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे और मेरे ख्याल में तो आज आप दोपहर में ये आराम से बना सकते हैं, क्योंकि घर में अमूमन लोगों की हर चीज अवेलेबल होती है जो खाना बनाने के शौकीन लोग होते हैं। सही। अच्छा, ये देखिए अगर आप देख रहे हैं तो इसमें प्याज का जो पानी था वो इसके अंदर ऐसे आ गया है, ये मैंने निकाल दिया है, इसको हम संभाल लेते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया यहाँ पे द वेरी ब्यूटीफुल मिसेस अशमत। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आपके? साज हाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत दुख की बातें हैं, बहुत दुख की बयान बातें नहीं कर सकते, बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात, सारी रात नींद नहीं आ रही थी। और जिन जिन की बेटियाँ हैं, चाहे मर्द औरत जितने भी हैं, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, हर किसी ने कहा कि जिसकी भी अपनी कोई बेटी है तो दिल जो है ना आपका डर जाता है। बिल्कुल, ये कैसा वाकया है, कैसा हो जाए। मिसेस अशमत जो है वो डॉक्टर भी हैं और आपको हर चीज़ का जो है वो इलाज भी बताती हैं सारा कुछ। आज मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरा शो देख रहे हैं उनको शायद इनमें से कोई ऐसे भी इस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए हों जिनको पता हो किसी ऐसी बच्ची का जिसके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, लेकिन शायद आपको किस एक्सटेंट तक वो एक बच्ची की ज़िंदगी रुइन करता है इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो एक बच्ची है जो कसूर से 5 महीने पहले उनको नीम मुर्दा हालत में वो मिली, उनके ज्यादती का निशाना भी बनाया गया था और अभी तक वो जेरे इलाज है। इसी तरह एक दिन पहले जो एक और बच्ची है 6 साल की जो नीम मुर्दा हालत में मिली, वो इस वक्त कैमाटोज है, मतलब वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रही जैसे कोमा में होते हैं, वो भी नीम मुर्दा हालत में, और उसके भी इलाज के लिए पैसे जो है वो मंगाए जा रहे हैं, उसके अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी उम्र में जब किसी के साथ ऐसा वाकया हो जाए तो उसमें उस बच्ची की क्या हालत होती है और क्या रिकवर कर सकती है वो बच्ची के लिए? ये बच्ची सारी उम्र के लिए फिजिकली मेंटली दोनों हालत में माजूर हो गई है, क्योंकि ऐसे वाकयात जो बचपन में होते हैं वो जहन से निकलते नहीं हैं और वो खौफ फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ लगा ही रहता है। अक्सर मैं कहती होती हूँ कि बच्चों को कभी भी ना डराएं, वैसे भी माएँ डरा देती हैं, सो जाओ नहीं तो जिन आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा, नहीं तो फलाना आ जाएगा, जिससे बच्चा खौफ ज़्यादा हो तो बच्चे सो जाते हैं। वो खौफ बड़े हो कि भी बच्चे फिर अकेला सो नहीं सकते, ये तो फिर इतना बड़ा वाकया है, ये तो फिर इतना बड़ा वाकया है बिल्कुल। और अगर मैं इस वक्त डिटेल में जा नहीं सकती क्योंकि हम टीवी पर हैं और कुछ लिमिट्स होती हैं जिसपे हम बात कर सकते नहीं, लेकिन ऐसी बच्चियाँ फिजिकली इनकेपेबल हो जाती हैं ऑफ हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, इनकी ना शादियां नॉर्मल चलती हैं ना कुछ, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल किड। और ये बात मैं आपको जिस तरह मैं पहले भी बता रही थी कि मेरी एक दोस्त गायनेकोलॉजिस्ट है और कहती है मेरे पास जब वो 5 या 6 साल की बच्ची आती है तो मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त हम डॉक्टर्स की क्या हालत होती है कि हम इसको वापस कैसे नॉर्मल जो है वो कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ थी कि 16 साल की बच्ची इज़ नॉट रेडी टू कंसीव, शी उनकी बोन्स डेवलप नहीं हुई होती पूरी तरह, वो खुद डेवलप नहीं हुई हुई होती, तो ये सोचे 5-6 साल की बच्ची की क्या हालत होती होगी। सो यू आप जो भी इंसान ये डिसाइड कर ले कि मैंने किसी बच्ची के साथ ज्यादती करनी है, वो उसको मार ही रहा है, उसके बाद वो बच जाए या ना बचे इट डजंट, वो उसको ख़त्म ही कर रहा होता है। सो
That's the limit. मैं यहाँ पर ये कहूँगी, मैं सचमुच भी यहाँ पर हमेशा कह चुकी हैं, ये रिपीट करते हैं, मुझे हिना ने भी ये बात की कि डोंट ट्रस्ट योर किड्स विद एनीवन. आपका ड्राइवर है, ड्राइवर और खानसामा और घर में काम करने वाले तो क्या, आपके अपने जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, जो भाई हैं, जो आपके जितने भी हैं, जिनको आप समझते हैं कि भाई इनसे नेक इंसान और कोई नहीं, डोंट ट्रस्ट देम विद देम. यहाँ तक कि जब वो घर में, स्पेशली जब आपके घर में कारी साहब भी आते हैं पढ़ाने के लिए, तो यूजली घर ही आते हैं, ड्रॉइंग रूम में बच्चे जो है वो पढ़ लेते हैं, तो जस्ट डोंट, किसी को भी आपने ट्रस्ट नहीं करना है. बेटर सेफ देन सॉरी वाली बात है. Exactly. कि अब आपने अगर स्कूल से भी लेने जाना है बच्चों को, तो सिर्फ ड्राइवर को मत भेजिए, साथ बैठ के खुद चले जाए. शैतान हर जगह प्रेजेंट है. Exactly. शैतान किसी के भी दिमाग में फितूर डाल सकता है, तो इट्स बेटर कि उनके साथ एक मुहाफिज हर टाइम हो. सुंदर से मैं कहना चाहूँ कि मेरे घर कारी साहब आते हैं और मेरी वालदा या मेरे घर में जो भी हैं, मेरे मामू रहते हैं हमारे साथ, वो बैठते हैं और बैठना भी चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ जो भी घर में आ रहा है वो किस तरह का इंसान है. किसी के माथे पे नहीं माथे लिखा पे नहीं, कोई अपने बच्चियों वाला भी है. बिल्कुल. जो हादसे होते हैं वो हमारे घरों से उठते हैं. और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे अपने लोग होते हैं जिसपे हम एतबार करते हैं. हाँ. कि ये अच्छा जो अभी बात कर रही है, वही लोग हमें खराब करते हैं. बिल्कुल. प्लीज एतबार ना करें. आपने ड्राइवर लगाए हुए, थोड़े पैसे ज्यादा दें, खुद जाए. मेरी अपनी ये रूटीन है, मैं सुबह ऑफिस जाते हुए बच्चों को छोड़ती हूँ, वापसी पे मेरी वालदा, मेरी वालदा या मेरी बहन खुद जाके बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं. हमने ड्राइवर को अलाउ ही नहीं किया कि वो जाकर खुद से बच्चों को लेकर आए. बिल्कुल. क्यों हम ट्रस्ट करें बाद में, जो हमने खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो. हाँ. तो इससे बेहतर है कि आप ना करें. प्लीज. और आपको माँ को चाहिए, ये माँ की जिम्मेदारी है. एक और चीज जो आपने करनी है, अपने बच्चों से बात कीजिए. हम लोगों ने क्योंकि इस चीज को इतना बड़ा टैबू बना दिया, अपने बच्चों को बताएं कि किस हद तक ठीक है. हमारे यहाँ एक तो पाकिस्तानी फैमिली हर चीज बतानी चाहिए, हग करना या किस करना या बच्चे को प्यार करना, ये चीजों को बुरा नहीं समझा जाता. अच्छा सुंदर, मैंने तो अपनी बेटियों को मना किया हुआ है. आपने बेटा किसी से शेक हैंड नहीं करना. हाँ. कोई स्ट्रेंजर आए आपने उसकी गोद में नहीं बैठना. हाँ. आपके अपने सीक्रेट पार्ट्स हैं, उनको आपने अपना संभालना है. कोई हाँ. आपको टच करे, आपने बताना है मैं आपकी दोस्त हूँ. हाँ. मुझे बताएं, बाबा को बताएं, नानों को बताएं, दादों को बताएं, आपने छुपाना नहीं है. छुपाना कुछ नहीं. भी गलती हो जाए, अगर आप अपनी बेटियों को डांटेंगे ना, ओए तुमने ये क्यों किया, तुमने मुझे बताया, तुम वहाँ क्या कर रही थी, तुम क्यों गई थी, और चुप हो जाओ. ये जो चुप है ना, चुप चुप नहीं चुप, किसी को नहीं बताना. जो बच्चों को बताए, ये चीज छोड़ दे. अगर आपको, मैं बेटों के लिए भी कह रही हूँ, बेटियां नहीं बच्चों को भी. कल हम एक रेस्टोरेंट पे थे और वहां पर इतना क्यूट सा बच्चा, ही वो सो फ्रेंडली, वो बस हर जगह घूम रहा है, हर किसी से हाथ जाके मिला रहा है, काउंटर के पीछे भी जा रहा है, वेटर्स के साथ भी घूम रहा है, उसे वेटर्स भी उठा रहे हैं, कोई आता है उसको प्यार करके जा रहा है. अब उस बच्चे को तो नहीं पता, ही वाज वेरी स्मॉल, आई थिंक 4 or 5. लेकिन वहां पर कोई एक भी ऐसा इंसान हो जिसकी नीयत ऐसी है, गंदी है या वो नहीं है, सो व्हाट डू यू नो. और वो बच्चा, उसको पहले तो समझ ही नहीं आएगी, फिर अगर आप उसको चुप करा देंगे कि नहीं बताना, तो वो पूरी जिंदगी उसको चुप करके सहता रहेगा. टेल योर किड्स कि अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएटली हग करता है, आपको टच करता है, आपको कहता है कुछ करने के लिए, तो आप शोर मचाएं. बिल्कुल. और जब शोर मचाए, आप चीखे मारे, किसी को बुलाएं या लगा दें आगे से, अगर आप लगा सकते हैं, if you're that big, but never, never, ever stay quiet. ये आपने नहीं करना है. और ये हिम्मत अनफॉर्चुनेटली जो है ना, अनफॉर्चुनेटली, ये जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सिर्फ माँ के ऊपर डाली जाती है ये बात, क्योंकि माँ ही अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारती है, माँ ही साथ होती है, तो मुझे भी ये कहना पड़ रहा है कि माओं के पास ही है. अगर आपके पास ज्यादा बच्चे हैं, उनके अंदर आपने ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है. मैं सवालात की तरफ आती हूँ. आपके बहुत सारे सवालात आपने मुझे भेजे. अच्छा जी, रुमैसा पूछ रही है कि मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर इनका कैसे नॉर्मल होगा. सुंदर, पहले तो ब्लड प्रेशर बीमारी ही नहीं है, इंडिकेशन है. हमारी बॉडी में 4 मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन. इनमें अगर एक में भी तकलीफ है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है. बेहतर ये है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट से अपने टेस्ट करवा लें और उनसे पूछा जाए कि डॉक्टर साहब आप मुझे चेक करें, मुझे ब्लड प्रेशर की वजह बताएं. अगर वजह ठीक हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर ठीक होगा. ठीक है. और जब तक उनको वजह मालूम नहीं है, आजकल बहुत अच्छा मौसम है, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें. एक मुठ्ठी हरा धनिया एक गिलास पानी या लस्सी में ब्लेंड करके दिन में एक बार पी लें, इससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है. अपने खुराक में रेड मीट और नमक कम रखें, पानी ज्यादा इस्तेमाल करें. सही, इससे जो है ये कंट्रोल हो जाएगा. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. क्या पूछना चाहेंगी?
जी, मेरे ना पिते में पथरी है जिसमें चने की दाल बराबर ना अल्ट्रासाउंड में आई है, तो मैं हर्बल मेडिसिन यूज कर रही हूँ लेकिन ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, और मतली वगैरह तो ठीक हो गई है, पेट में दर्द भी नहीं होती। हर्बल क्या यूज कर रही हैं? हर्बल दवाइयाँ हैं, लाहौर से मंगवाते हैं, हकीम साहब देते हैं देसी दवाई। क्या है उसमें, आपको कुछ पता है क्या कॉम्बिनेशन है, क्या चीज दी हुई उन्होंने आपको? जी वो मुझे बस बताया है उन्होंने कि बहुत पुराने हकीम हैं और वो दवाइयां दे रहे हैं, आपकी तो चिकनाई बंद कराई है उन्होंने? जबान और जबड़ा ना सुन्न हो जाता है और कोई पेट में दर्द या कोई मसला नहीं है। अल्लाह मेरी बात सुने, आपको उन्होंने चिकनाई बंद कराई है? चिकनाई से परहेज करने को कहा है उन्होंने? जी बंद करवाई, इनकी आवाज चली गई है, आवाज ऊंची कर दें। हां जी बंद करवाइए। अच्छा करवा दी उन्होंने, बंद करवाई। हम आपको आने और जवाब देते हैं। जी, क्या कह रही थी वो, कुछ और कहना चाह रही थी? हेलो हेलो, जी जी फरमाइए। इनकी आवाज ऊंची कर दे, कम क्यों की है? जबान और जबड़ा सुन रहते हैं, कभी पेट में दर्द नहीं हुई, कभी कोई मसला नहीं। इसकी वजह से तो जबान और पेट कभी भी सुन नहीं होता। हम आपको बताते हैं जी, गॉल ब्लैडर स्टोन ऐसे जैसे आपके अंदर एक बम फड़ा हुआ है, ये अगर किसी वक्त भी फट जाए तो इंसान मर जाता है इससे। अच्छा। इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए, मेडिकली इसका सिर्फ सर्जिकल इलाज है, सर्जरी ही इसका इलाज है और कुछ नहीं है। अच्छा। और फूड में इलाज है लेकिन वो मुश्किल है, अगर वो कर सकती है तो कर लें, नहीं तो बहुत मामूली सर्जरी, दूसरे दिन घर भेजा जाता है। और इतनी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपकी गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, ये हमारे कारखाना है हमारे जिस्म का जो हमारी चिकनाई को हजम करता है। अच्छा। हमारा हाजमा भी दुरुस्त रखता है। जब ये ख़राब हो जाता है इसमें पत्थर पैदा हो जाते हैं, असल में ऑक्सलेट जमा हो जाती है, चिकनाई जमा हो, जिसको हम कहते हैं पित्त में पत्थर है, तो वो अपने फंक्शन ख़त्म कर लेता है। उसकी वजह से मतलब ये होता है, स्वेर दर्द होता है कि गोली की तरह पीछे जाता है। अच्छा, इसका इलाज खुराक में है, केले के तना अगर आप काटें तो उसके बीच में परतें होती हैं, वो खोलती जाए एक गन्ना सा नज़र आता है, उस गन्ने का रस आपने दिन में 3 बार पीना है, 3 गिलास। अच्छा। और फिर इस बहुत ज़्यादा आपने लिक्विड लेना है आजकल तो बहुत। ये दोबारा अच्छा। बताइएगा किस तरह ये मिलता है? केले का दरख्त आप काट लें, ठीक है ठीक है, फिर उसमें से 1 फुट जितना आप पीस काट के उसकी परतें होती है, वो खोलती जाए ठीक है, वो उसके अंदर आपको बिल्कुल एक गंडेरी से नजर आ जाएगा। अच्छा। उसका जूस निकालना होता है। वाह। ये आपकी बॉडी के सारे रेत पत्थर सब कुछ निकाल देती है। अच्छा, जबरदस्त। सुबह निहार मुँह, शाम चाय के वक्त और रात खाने से पहले 1-1 गिलास। अच्छा, फिर आपने 1 जग गाजर का जूस, उसमें माल्टे का रस भी मिलाना है, ये आपने सारा दिन में खत्म करना है। गाजर भी हमारे बदन से सब कुछ निकाल देती है। सही। अच्छा, लेकिन इसमें वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तकरीबन 3 लीटर पानी बन जाता है। अगर हम वॉक करेंगे तो बॉडी फ्लश करेगी, नहीं करेंगे तो उल्टा नुकसान हो जाता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है। सही। और हर किस्म का डेयरी प्रोडक्ट बंद करना है आपने। अच्छा, कोई आपने जो है डेयरी प्रोडक्ट, मक्खन, चीज, ये कोई भी चीज़ जो है आपने नहीं लेनी है, सिर्फ सब्जियाँ लेनी है, ठीक है, और वॉक करना है, ठीक है। 1 महीने के बाद अपना दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लें, छोटी छोटी है तो बिल्कुल गायब हो जाएंगी, नहीं होंगी। अगर इतनी तकलीफ नहीं कर सकती तो ये जो जो अभी इन्होंने बताया ये मत करें, ना तो इसे जबान सुन होती है, ना इसमें पेट में कुछ होता है, क्योंकि ये तो खुराक है। अगर इतनी तकलीफ आप नहीं कर सकते तो आप सीधा जाएं अपनी सर्जरी कराएं, सर्जरी करवा दें, वो इसका सबसे अच्छा हल है, सबसे अच्छा सोल्यूशन। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, वो असल में ना मैंने मिसेस हकमत से बात करनी थी। जी जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरे ना 2 बेटे और 1 बेटी है। अच्छा। बेटी मेरी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, और एक मेरा बेटा माशाल्लाह है 12 साल का हो जाएगा अभी। तो एक मेरा बेटा 3 साल का है, वो सबसे छोटा है यानी। तो उन मेरा बड़ा बेटा वो भी सेले का पेशेंट है, यानी कि गंदम की हड्डी उसको मना है, और उसका आंखों का भी मसला है, लेंस उसके रिमूव हो गए हैं। और दूसरा जो मेरा पहले वाले का तो चले मसला हल हो गया, 6-7 साल काफी, यानी कि ना मैं परेशान रही हूँ हॉस्पिटल वगैरह ये वो। लेकिन अभी जो दूसरा मेरा बेटा हुआ है ना माशाल्लाह, वो बिल्कुल ठीक था, 1 साल का जब था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसको गर्दन तोड़ बुखार सी ऐसा जिसे कहते हैं वो हो गया था।
उसके बाद अभी माशाल्लाह दोबारा वो वॉकर वगैरह चलाने लग गया, लेकिन अभी वो चलता नहीं है। और डॉक्टर भी मुझे ये नहीं कहते कि ये भी, जब उन्होंने बस मुझे डिस्चार्ज किया था तब तो यही कह रहे थे कि ये हमें ये भी उम्मीद नहीं है कि ये उठेगा कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो तो बेहतर हो गया, लेकिन अभी वो ना बोलता है और ना ही चलता है। आप कहाँ से बोल रही हैं? चाहती थी कि इसका कोई यानी कि हल है या कोई, खाता पीता भी माशाल्लाह अगर ठीक रहे तो माशाल्लाह सब कुछ खाता पीता। आपकी कजिन्स में शादी हुई है? खाना पीना छोड़ देते हैं। आपकी शादी जो है वो खानदान में ही हुई हुई है? हाँ जी खानदान में हुई है, मेरे फर्स्ट कजन यानी कि खाला का बेटा है। बच्चू अच्छा इसका तो हम आपको जवाब देते हैं, हम आने जवाब देते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है खानदान से बाहर शादियां करो। हम आपको कह के कि ये बीमारियां ये अबनॉर्मैलिटीज इसके चांसेस 60-70% हो जाते हैं। अगर आप स्पेशली फर्स्ट कजन्स में शादी कर रहे हो तो इस तरह की अबनॉर्मैलिटीज होती ही होती हैं। हाँ। तो अगर आपको इतना पता है कि आगे जो है आपको इतना तकलीफ होगी या औलाद की तकलीफ तो और भी ज्यादा होती है, तो क्यों खानदान में शादियां करते हो? ट्रेंड को चेंज करें, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है एतबार करना दूसरे लोगों पे, लेकिन क्या कह सकती हूँ मैं। अच्छा इनका जो ब्रेक का टाइम हुआ है क्या कहा आपने? अच्छा छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आके आपको जो है बताते हैं जो आपने मसला बताया इसका हल। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आपको जो आपने सवाल किया उसका जवाब देते हैं। अच्छा कंजेनेटल डिजीज़ का इलाज नहीं, ये कंजेनेटल डिजीज़ है, पैदाइशी बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी मायूसी गुना है। अगर ये लोग आ सकते हैं अपने टेस्ट ला सकते हैं तो उसकी रोशनी में मैं खुद दवाई बनाती हूँ उनको, ताकि वो इतनी माजूरी से बच जाए कि अपने आप को तो संभाल सकें। बिल्कुल, कि इस काबिल हो जाएं कि जितना जो नॉर्मल जिंदगी है उसकी लाइफ क्वालिटी आपकी बेहतर हो सकती है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मैं कभी किसी माँ को किसी भी पेरेंट को ये नहीं कहना चाहती कि आपके बच्चे जो है वो बेहतर नहीं हो सकते, उनकी ये ठीक नहीं हो सकते। ये शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके बस में होती हैं। जिस तरह थैलेसीमिक पेशेंट्स का बता दिया उन्होंने कि अगर दो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं वो आपस में शादी ना करें, उनके बच्चे की जो है वो लाइफ नहीं है, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हैव इट। फिर उसके बाद कजन मैरिजेस, स्पेशली फर्स्ट कजन मैरिजेस में आपको डॉक्टर्स हर कोई, अब तो खैर घर घर में लोगों को पता है कि चाचे के बेटे मामू के बेटे, इसमें जब शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद इस तरह की डिजीजेस जो होती है। मैं खुद एक कपल को जानती हूँ, मैं मिसेस हिशमत को बता रही थी कि उनके 4 बेटे हुए और 3 साल का 4 साल का 6 साल का। आप सोचें, आप 9 महीने आपके पास बच्चा है, उसके बाद आप खुशी मिलती है आपको, और उसके बाद वो 3-4 साल का हो और किसी कंजेनिटल डिजीज़ की वजह से वो आपके साथ ना रहे तो कितनी तकलीफ की बात है। बिल्कुल। तो अब उनकी 4 बेटों के बाद 1 बेटी है जो ठीक है, लेकिन आप सोचें ये तकलीफ उन्हें ना सहनी पड़ती अगर उन्होंने कजन मैरिज ना होती। बहुत तकलीफ दे चीज़ है, बच्चा तो किसी का भी खुदा खराब ना करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी अगला सवाल जो है मैं पूछती हूँ, जहरा रावलपिंडी से पूछती है, मेरा वेट 52 केजीज है और वेट बहुत कम है, कुछ खाती हूँ फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब कुछ भी जो है मेरे मंथली साइकिल्स नॉर्मल है, नॉर्मल है 2 मंथ्स के बाद होते हैं। ये जो है अपना थायराइड, हाइट इनकी 5'8" है, थायराइड अपना जरूर चेक कर लें, कभी थायराइड के मेल फंक्शन की वजह से या इंसान ओबीज हो जाता है या बिल्कुल पतला हो जाता है। क्या ओबीज हो जाए, 5'8" में 52 होना वेट इज वेरी वेरी लेस। एग्जैक्टली, तो थायराइड इन्हें चेक करवाना चाहिए, ठीक है। और उसमें वैसे थायराइड की रेगुलेशन के लिए आप क्या बताती हैं जिसके फंक्शन नॉर्मल रहे? उनकी डिफरेंट है, किसी का हाइपर होता है, किसी का हाइपर होता है और किस लेवल के ऊपर है, तो मैं खुद उनके लिए दवाई बनाती हूँ। दवाई भी नहीं है, खुराक की चीजें हैं, हर्ब्स हैं, क्योंकि मेडिकली तो आप थायरोक्सिन पर हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर सारी जिंदगी आपको खाना पड़ती है, फिर हर महीने आपको टेस्ट करना पड़ता है, फिर कभी डॉक्टर कम करेगा कभी ज्यादा करेगा, लेकिन खुराक में 1 महीने का कोर्स है, आप वो करवा लें। हाँ। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा अमेरिका में तो 40 के बाद कंपलसरी है थायरोक्सिन लेना। हाँ। वो हर किसी को जो है इशू शुरू हो जाते हैं थायराइड के। वैसे तो कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, आपकी दुआएं चाहिए। बिल्कुल, मेरी दुआएं आपके साथ है। क्या पूछना चाहेंगी? मैं मिसेस, हाँ डॉक्टर हशमत से एक तो एड्रेस लेना है, मुझे भी अपना चेकअप करवाना है। ठीक है जी, एड्रेस आपको मेरी टीम लिखवा देगी। कोई सवाल पूछना है आपने?
जी सवाल ये पूछना कि मेरे पेट में ना हर वक्त दर्द रहता है, अल्ट्रासाउंड तो बहुत करवाया है, पेट में ना मतलब जैसे गाजर का जूस पिया, चुकंदर का पिया, जूस कोई भी पियो, पानी थोड़ा नहा लो पियो, ऐसे वो अंदर जाता है ना जैसे कोई चीज तोड़ तोड़ के, पेट का मसला है। और ये सिर्फ लिक्विड्स के साथ ही होता है, जब पानी शानी या जूस पीती है या खाने में भी होता है? नहीं खाने में नहीं होता, जूस पानी पीने से, और दूसरा मैं अंडा वगैरह खाऊं तो मेरा पेट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है, थोड़ा थोड़ी सी ज्यादा खुराक खा लूं तो ऐसे पेट खिंच खिंच टाइट सा रहता है। और 47 साल मेरी एज है। 47 साल एज है जी। दूसरा सवाल है कि बेटे को हर वक्त नजला और गले में खराश रहती है, रेशा गिरता रहता है, उसका भी मसला, उसकी तकरीबन 24 साल उम्र है। ठीक, उसके बारे में भी पूछना है कि हर वक्त वो रेशा गिरता रहता है उसके हलक। आपको दोनों का जवाब हम देते हैं, हमारे साथ रहिएगा और एड्रेस इनको प्लीज लिखवा दीजिए मिस्टर हशमत का। जी, एक सेहत का पैमाना आप अगर किसी बंदे से पूछे आपको खांसी जुकाम कितना होता है, अगर वो कहे मुझे ज़्यादा होता है तो समझे कि वो बुनियादी कमज़ोरी है। और इनका जो मसला है पेट का, पेट को हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, सेंसिटिव लोगों की बातें हैं, और मुझे मेडिकल टेस्ट चाहिए होते हैं। अच्छा, ठीक है। हर इंसान को चाहिए कि कम से कम 6 महीने में तो अपना एक प्रोफाइल ज़रूर करें, खुदा करे सब ठीक हो, लेकिन उसमें हमें पता चल जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। सही। और पेट के लिए जैसे इन्होंने बताया कि मैंने अल्ट्रासाउंड भी किया है और मेरा पेट ठीक है, एच पाइलोरी एक टेस्ट होता है, ए माइलेज टेस्ट होता है जो पेट का पता चल जाता है, और दूसरा जब इन्होंने कहा कि मुझे मैंने अल्ट्रासाउंड भी करा है, कभी गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी पेट ख़राब होता है, दर्द होता है, इंसान को समझ नहीं आती, वो समझते हैं पेट में दर्द है, बेसिकली गॉल स्टोन होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए वो ठीक है। तो मेरे से आने से पहले अगर ये हर खाने के बाद एक चम्मच सफ़ेद जीरा खा लें और दर्द ना हुआ तो ना ही आए। और अच्छा, अगर हर खाने से पहले तो एक चम्मच सफेद जीरा आपने खाना है, उससे अगर दर्द ठीक हो जाता है तो फिर तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं होता जरूर चेक करवाइए। और दूसरा पानी जो इन्होंने मेंशन किया है कि पानी या जूस से ही असल में ये गैसेस भी हो जाती है। अगर आप गाजर का जूस पीते हैं उसमें थोड़ा सा अगर अदरक का रस डालें तो उसमें गैसेस नहीं बनती, अदरक हमारे मैदे का दोस्त है। और वैसे भी गाजर का जूस, गाजर मूली हम खाते तो हमारे पेट में गैसेस पैदा हो जाती है। गैसेस पैदा हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस हशमत को भी बहुत वेलकम। थैंक यू। प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, कल का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत तसल्ली से सारे सेगमेंट हुए, और आज भी जिस तसल्ली से मतलब मिसेस हशमत से बात हमारी हो रही है, यानी कि जो एक बहुत ज्यादा सेगमेंट है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं उसकी निस्बत ये कि हर प्रोग्राम जो सेगमेंट है तफसील से होता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मिसेस हशमत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे सारे नुस्खे अच्छे हैं, कोई मुझे मसला नहीं क्योंकि आपको देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। बहुत शुक्रिया, इसलिए मेरे पास बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह सबसे फेवरेट नुस्खा तो बता दें मिसेस हशमत का जो आपको बहुत पसंद हो। मुझे ये बहुत पसंद है कि अदरक का, वो जैसे अभी उन्होंने कहा दोस्त हमारे मैदे की, तो मुझे अदरक इतनी अच्छी लगती है, मैं खाना बनाते हुए जब बनाती हूँ ना तो कच्ची खा जाती हूँ, अदरक का सालन बना के खाती हूँ, और जो मुझे थोड़ी सी कभी किसी जमाने में हल्की सी गैस की शिकायत शुरू हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं अच्छा खासा भागती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, सीढ़ियाँ दिन में कोई 100 से ज्यादा दफा उतरती हूँ। मुझे लगता है कि मिसेस हशमत की जो वो अच्छी नुस्खे हैं और भी, तो वो मुझे जीरा मैं इतना नहीं लेती लेकिन अदरक मुझे जरूरत नहीं पड़ी होगी ना, नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, और अदरक की वजह से मैं इतना, और खांसी भी फिर मुझे नहीं होती, मतलब अदरक की वजह से। मुझे बड़ी खुशी हुई है, सेहतमंद कॉलर की कॉल आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब कि काम कर रहे हैं मिसेस हशमत आपके जितने भी आपने। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत सारा वेलकम, बहुत सारा वेलकम मिसेस हशमत को। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बड़ी खुशी होती है मुझे, ये ना ये फल है आपकी मेहनत का कि लोग आपको दुआएं देते हैं मिसेस हशमत। ये इंसान खरीद नहीं सकता है, पता नहीं किस रूप में खुदा मिल जाए। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। क्या कहा आपने जैगम साहब, मैंने सुना नहीं। अच्छा, किचन में जाना पड़ेगा। अच्छा हिना बताइए मुझे क्या रहता है किचन में, क्या किया है हमने जी? अच्छा सुंदर, ये मसाला देखें जो हमने टमाटर डाल दिए थे, ठीक है। सबसे पहले तेल, फिर पीसी हुई प्याज, फिर बीच में ही अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, चिकन, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये सब डल गया था। अभी मैं इसको अच्छे से और भूनूंगी क्योंकि टमाटर थोड़े से और नर्म होंगे और खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। मुझे भी दिखाई खुशबू आ रही है आपको कुछ? इसमें जीरा नहीं है, गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सा बस दो से गरम मसाला, तो ये तो बड़ा अच्छा है। जिन लोगों को मैदे की तकलीफ होती है मिसेस हशमत, उनको गरम मसाला नहीं खाना चाहिए ना। हाँ जी, है ना।
क्योंकि जिसको भी जब भी मैदे की अगर आपको तकलीफ है तो जब भी आप सालन खाएंगे जिसमें गरम मसाला है आपको फौरन जलन शुरू हो जाती है, एसिडिटी शुरू हो जाती है, बिल्कुल होती है। सारे उसमें स्पाइस भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, इसमें हमने अभी ये क्या डाला है? दूध डाला है, दूध डाला है ताकि इसकी जरा ग्रेवी और अच्छी हो जाए। और इसके बाद मैं ये इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट अभी साथ में, मुझे तो लग रहा है बहुत मीठा सा सालन होगा। नहीं नहीं, इसमें क्रीम है, प्याज है, दूध है, ये क्या कोकोनट है? कोकोनट है। असल में जो कश्मीरी मुगलई खाने और कुछ ये जो इंडियन खाने हैं ना, अगर आप देखें तो उनमें दही दूध क्रीम का बड़ा इस्तेमाल है हम और बादाम पिस्ता का। हमारे जो मुगलई खाने थे, हमारे एम्परर्स पुराने बादशाह वगैरह, वो सब बहुत ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो ये कुजींस जो है ना, ये वहीं से ही है, मुगलई कुजींस की वेरिएशन। ये मद्रासी चिकन जो होता है उसमें भी क्रीम होती है, उसमें भी क्रीम है, बिल्कुल सही सही। तो ये सब खाने जो है ना बड़े रिच से हैं, ताकत के लिहाज से भी अच्छे हैं। अब तो आपको अच्छा, मुझसे नहीं खाए जाते मेरा कोई भी चीज अनलेस थाए हो, क्योंकि थाए मीठा भी होता है, सावर भी होता है, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन अदरवाइज अगर दूध और मीठे को और कोकोनट को और फिर चिकन को और प्याज को आपस में मिक्स कर दिया जाए ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं, लोगों को बहुत पसंद होता मीठा है, होता है, बिल्कुल होता है, लोगों को पसंद है और लोग बड़े खुशी खुशी खाते हैं। बाहर आप चले जाएं, दुबई चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो सारी जो इस तरह की डिशेस होती है, कश्मीरी, मद्रासी, ये वाले चिकन, बटर चिकन, ये सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे महंगी और सबसे मजे की होती है, कोई शक भी नहीं इसमें। और हर कोई इतने शौक से खाता है। मैंने आपको बताया जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में ना जो खुली कढ़ाइयों में खाने बनते हैं ना, तेज आंच पे, ये दही है, उसका जायका ही फर्क होता है। हमारे हल्की आंच पकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पकते हैं, वो पकने से ज्यादा जो इतना उसके अंदर जो अच्छा, मैंने तो सुना था कि आहिस्ता जितना खाना बने जितना, क्योंकि वो जो हंडिया होती है ना मिट्टी की, उसमें तो वैसे ही बहुत स्लो बहुत टाइम लगता है, तो कहते हैं जितना स्लो खाना बने उतना फ्लेवरसम होता है, उतना ज्यादा उसके अंदर फ्लेवर होता है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा भी है, लेकिन रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर आप चाइनीज खाने खाती हैं, थाई खाने खाती हैं, तो आपने देखा है कितना हाई फ्लेम पे पकते हैं वो, फटाफट वो स्टिर फ्राई में आ जाते हैं ना, इसलिए भी जरा तेज तेज पकते हैं। ये खाना बनाते हुए आपने अपने नए कपड़े पहनकर किचन में नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है कि पिसी भी प्याज मैं तो बहुत दूर हूँ इनसे, बिल्कुल दूर ही रहे। पिसी प्याज जो है ना वो हमेशा उड़ती है, छींटे देती है, तो इसलिए आज हमारे पास बहुत सारा प्याज का पानी है। लेकिन मिसेस हशमत ने हमें कहा हुआ है कि आपने कूट के निकालना है, ग्राइंड करके निकालना है। अच्छा, उसका भी फर्क है। अच्छा, और खाली खाली पेट पीना है। खाली पेट पीना है, वो हम तो नाश्ता करके आए हैं, अब नहीं खाली पेट पीना है। हाँ, खाली पेट पीना बड़ा मुश्किल काम है ये, खाली पेट पीना भी। अच्छा, क्वेश्चन पूछना है क्योंकि मैं बता दूं कि मैंने इसके बाद जी आप पहले बता दें, क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी और अगला सवाल ही जो है सारे पेट से रिलेटेड है। बता दूं कि जितना ये भून जाएगा अच्छे से, भुनाई करने के बाद मैं ये क्रीम, अदरक और धनिया पुदीना डालूंगी, थोड़ी सी मैं मिर्चें इसमें, हरी मिर्चें डाल देती हूँ, जरा अच्छी लगेंगी, अच्छी लगेंगी। ठीक है, मतलब इसमें अभी टाइम है, गार्निशिंग के वक्त मैं दोबारा आ जाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल अभी इसमें 5-7 मिनट और हैं। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ी सी ग्रेवी और अच्छे से बन जाए, इसका जायका और रिच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मिस सुषमा, अगला सवाल है हमारे पास आमना रावलपिंडी से, पूछनी है, मेरी बेटी की एज 15 ईयर्स है, उसको टमी में पेन रहती है अक्सर, रात को होती है, वो जंक फूड बहुत खाती है, तो आपने मसला खुद ही बता दिया। ज़ाहिर है ये गैस्ट्रिक अल्सर है, क्योंकि जो रात को जो हम ये जंक फूड खाते हैं, पानी नहीं पीते या साथ में कोला ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो उससे और गैस बढ़ जाती है। अच्छा। कुछ दिन के लिए इनका खाना चेंज कर लें और हर खाने से एक घंटा पहले 3 अंजीर दे दें, इंशाल्लाह कभी भी दर्द नहीं होगी। अच्छा, इससे ठीक हो जाएगा। और कुछ दिन के लिए जंक फूड बंद कर दें और मसाले मसाला जात भी नहीं, सिर्फ जंक फूड ही बंद करें तो। हाँ ठीक है जी। अच्छा, नीलम गुजरात से पूछते हैं, मेरे बाजू में बहुत दर्द रहती है, लेफ्ट बाजू में ज़्यादा इशू रहता है, काम की वजह से नहीं हुआ, कभी कभी ही होता है, कोई ख़ास वजह है? और मुझे शुगर भी है, क्या ये शुगर की वजह से होता है? शुगर तो सबसे बुरी चीज़ है, कहीं उनको वो फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए। अच्छा, होता है ये शुगर से रिलेटेड? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एज क्या लिखी है? एज इन्होंने मुझे अपनी नहीं बताई, क्योंकि 40 के बाद तो वैसे भी हमें हमारा ब्लड ठीक होना शुरू हो जाता है। सही, तो ऐसे लोगों के लिए भी अदरक बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि वो ब्लड थिनर भी है। अदरक और हल्दी, रात सोते वक्त हल्दी ज़रूर लेनी चाहिए, इंसुलिन लेवल को भी कंट्रोल करती है, हमें स्ट्रोक से भी बचाती है और हमारा ब्लड भी थिन करती है। बाकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर चली जाए, ताकि उनको फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए। फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए तो ज़रूर चेक कराना है। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं चकवाल से परवीन बात कर रही हूँ। जी जी, तो एक तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी तो बहुत अच्छा है, दूसरा मेरा
बहुत शुक्रिया। मैं पेट और मेदे में दर्द रहता था तो मैंने टेस्ट करवाया एच पैलोरी का। अच्छा, एच पैलो तो वो पॉजिटिव आ गया, तो मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स भी किया है और मेदे का 2 माह कोर्स भी किया है। उसके 20 दिन के बाद मैंने फिर एच पैलोरी का टेस्ट करवाया, फिर पॉजिटिव आ गया। हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। ये देखिए, ये आप एच पाइलोरी का आप कहती रही है ना, लोगों ने करवा लिया, अच्छा अब क्या करें? एच पाइलोरी क्यों होती है पहले तो ये इनको समझ आनी चाहिए। ज्यादातर बाहर के खानों से होती है, अपने गंदे खाने से, गंदे खाने से, और अपने किचन की भी सफाई रखें। अच्छा, दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक से थोड़े अरसे तो आराम आ जाते, दोबारा एच पाइलोरी हो जाती है। एच पाइलोरी बड़ी बुरी चीज़ है पेट के लिए। अच्छा अच्छा, एक हफ्ते के लिए अगर ये अनार का छिलका तवे पर लाल करके पीस करके बराबर वजन छिलके से बॉल मिक्स करें, हर खाने से 3 घंटे पहले 1 बड़ा चम्मच 1 कप दही मिलें, दही भी प्रोबायोटिक है। तो एक हफ्ते के बाद अपना एच पाइलोरी चेक करें, इंशाल्लाह नहीं होगी। अनार का छिलका उसको तवे पे लाल कर लें, लाल कर लें, जल ना जाए, ठीक है, वो क्रिस्प जब हो जाते ना थोड़ा सा, फिर उसको पीस लें, फिर उसको पीस लें और उसमें इस्बगोल का छिलका बराबर मिक्स करके रख लें। हाँ, इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। तो हर खाने से 3 घंटे पहले 1 बड़ा चम्मच 1 कप दही में लिया करें और बाहर के खाने बंद कर लें। बाहर के खाने बंद कर रहे हो, कभी कभी हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारे जो अपने किचन के बर्तन ये चीजें जब पुरानी हो जाती हैं, या इवन मैंने इतने लोगों का देखा है कि जहाँ पर सुखाने के लिए नहीं रखते चीजें, एक आपने कप सा रखा हुआ होता है, उस कप के अंदर आप जब भी बर्तन धोते हैं तो चम्मच शमच सब कुछ उसके अंदर जाता है, और कभी वो चम्मच निकाल के अंदर कप की हालत देखिएगा कि क्या हुई भी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, लोग वो नहीं चेंज करते। स्टेनर जो होता है, जो चाय जिससे नहीं छानते, हाँ, हाँ, वो आपका जो है साल साल पड़ा होता है, बिल्कुल काला हुआ हुआ होता है। फिर ये जो स्क्रैचलेस वाले हैं, इनको क्या कहते हैं ना, ये जो नॉन स्टिक वाली जो चीजें हैं, ये खुरेदी भी होती है, वो भी खाने के अंदर शामिल हो जाती है। तो लेना ही चाहिए। हाँ, अगर आपने लेना तो उसका सही ख्याल भी करें। बड़ा कन्वीनियंट होता है, आपका अंडा शंडा चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, टिश्यू से साफ करें उसको, स्टील वुल ना लगाएं, लेकिन उसको आपने फिर खुरेदना नहीं है, उसके अंदर कोई चीज, ये छोटी 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 चीजें। हफ्ते में एक दफा अपने सारे बर्तन धूप में लगवाएं, धूप में रखें। अच्छा, ये तो मैं भी नहीं करती, ये करना चाहिए धूप में ताकि वो साफ हो जाए। हाँ। फिर प्लीज जहां पर आप सुखाते हैं ना अपने बर्तन, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया उधर इकट्ठा होता है, क्योंकि वो नम होती है जगह, हर वक्त गीली रहती है, वहां गीले बर्तन जा रहे हैं, और कभी आप वहां से वो पूरा उठा के देखिएगा। मैं जिस हॉस्टल में रहती थी वहां पर एक दफा गलती से पीछे जो है मेरा फेवरेट चम्मच गिर गया, तो मैंने पहली दफा वो जो है ना जहाँ पे वो सारे बर्तन सूखते थे उसको साइड पे किया, और या अल्लाह, मतलब बिल्कुल वो जो मोल्ड काली नहीं हो जाती, ग्रीन भी नहीं, जो काली हो जाती है, वो हालत ही नहीं। और वहां पर सोचा आपके ऊपर बर्तन सूख रहे, आप कितना गंद है। सकते ना टूथब्रश होल्डर, कभी वो भी खोलें तो आप देखें कि टूथब्रश होल्डर जैसे ये है, और नीचे अक्सर होल्स होते हैं, नीचे इंतहाई गंदे होते हैं, गंदे वो बिल्कुल, वो देखे ना पानी जहाँ पर होगा वहाँ गलाजत जरूर है। उर्ली, उर्ली कैंसर क्या चीज है, उर्ली असल में, देखे जरा। तो ये छोटी छोटी एहतियात जो आपको करनी पड़ेगी, और गंदगी से हर बीमारी जन्म लेती है, तो ये जरा आप सफाई साथ में रखिएगा। अच्छा जी, क्या अगला? अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास, उसके बाद फिर हम जो है सचमुच जा रही है। अच्छा, सुमेरा रावलपिंडी से पूछिए, मेरे बेटे के दांतों में बहुत ठंडा गर्म लगता है, कुछ भी खा ले, दाढ़ में भी बहुत दर्द रहता है, उसकी एज 18 ईयर्स है। वैसे दांतों पर कंप्रोमाइज ना करें, सीधा डेंटिस्ट के पास चले जाएं, ठीक है? जब तक गए नहीं है तो ठंडा गरम लगने के लिए गरम निवाला रोटी का मुंह में पकड़े, इतना पकड़े कि वो निवाला ठंडा हो जाए। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि डेंटिस्ट के पास ले जाए। अच्छा, उससे आपके डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, उसको बहुत सेंसिटिव, लेकिन डेंटिस्ट को जरूर जरूर, वैसे ही आपको जो है साल में एटलीस्ट एक दफा तो डेंटिस्ट के पास, ठीक भी है दांत तो जाना जरूर चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर वेलकम, थैंक यू, आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं सारे, मेरी भी बहुत दुआएं, हमें सिर्फ दुआ चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, खुदा किसी की लगाए हमारे ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आई मीन छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप सारे Welcome back to Mehekti Morning. We have two wonderful experts with us, जिनके साथ हम जो है आज for the purpose of enlightenment, थोड़ा सा शऊर आपके अंदर डालने के लिए, और बहुत सारे लोग जो बहुत अजीब अजीब बातें इस वक्त टीवी पर कर रहे हैं
उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बात करने के लिए, आपको ज़्यादा मुहतात करने के लिए जो है आज हमने अपने एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलाए हैं जिनसे हम ये बात करेंगे जो ज़ैनब केस चल रहा है, ये जनरली जो हमारी सोसाइटी में चाइल्ड अब्यूज़ का प्रॉब्लम है इस पर मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। वी हैव विद अस द वंडरफुल हुमैरा मसीउद्दीन, शी इज़ अ क्रिमिनोलॉजिस्ट एंड अ विक्टिमोलॉजिस्ट व्हिच मींस दैट यू वर्कड विद विक्टिम्स, और आप जो है हमें थोड़ा इंसाइट भी दे सकती हैं कि उनकी लाइफ क्वालिटी कैसी होती है और किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी ही फैमिली में इफ़ देयर समबडी देयर लाइक दैट। हमारे साथ हैं डॉक्टर फवाद कैसर, ही इज अ कंसल्टेंट फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट, एडजंक्ट प्रोफेसर साइकियाट्री, एसटीएम यूनिवर्सिटी एंड शिफा मेडिकल कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ही इज ऑल्सो ही हैज सर्टिफिकेशन फ्रॉम अमेरिकन अकेडमी ऑफ बिहेवियरल प्रोफाइलिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक। सबसे पहले तो सर मैं If you don't mind, I would like to start with you. If you could tell me, what is a forensic psychiatrist? क्या होते हैं? Well, forensic psychiatrist है कि वो branch है psychiatry की जो कि psychiatry और law के साथ connected है. So as a specialist, जब हम psychiatrist बन जाते हैं, then we get a specialist training के फिर वो disorders जो mental illnesses हों और उन्हें crime commit किया, तो उनके लिए special services हैं, उनकी assessment की, उनकी management की, उनके reasons क्यों ऐसा किया. And say what was in the mind of a criminal, and particularly as reference ke agar unko mental illness bhi ho. Okay. So forensic psychiatry jo wo deal karti hai criminology se bahut close se. Lekin kyunki law ki bhi backup honi chahiye. So it's like a medical legal profession. Medical legal officers hote hain. They're more. Haan, medical legal jo hai of course is a different branch. It's a different thing. They're hands on. They're doctors. And you deal with the mind, right? Hamare liye ki aap MBBS करने के बाद फिर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग करें साइकाइट्री की और उसके बाद स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग करें फॉरेंसिक की, और फॉरेंसिक साइकाइट्री के अंदर फोर इयर्स के लिए यू जस्ट हैव टू डील विद वो लोग जिन्होंने क्राइम कमिट किया और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। हाउ डू यू से स्टे सेन? आप खुद कैसे फिर सेन रहते हैं आफ्टर डीलिंग विद सो मेनी पीपल लाइक दैट? मतलब इंटरेस्ट जो है वो दैट प्रॉब्ली इज द की थिंग, तो स्टडीइंग द माइंड ऑफ द क्रिमिनल, उसके बिहेवियर में ऐसी क्या चीज़ है और उसको ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं डिफरेंट सोसाइटीज में, और अगर रेपिस्ट है या मर्डरर हैं या आर्सनिस्ट है या पीडोफाइल है या और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं जो कमिट किए जाते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी उसके साथ कितनी महफूज होगी अगर वो वापस हमारे पास मौजूद हो। तो फॉरेंसिक साइकियाट्री के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये काम करते हैं कि इन लोगों को अगर जब वो कन्विक्टेड हों या अरेस्टेड हों तो कोर्ट्स डिसाइड करती है कि इनको जो नॉर्मल सिस्टम्स हैं कोर्ट्स के या प्रिजन्स के वहाँ नहीं भेज सकते, तो उनके लिए फिर स्पेशल हॉस्पिटल्स क्रिएट किए जाते हैं, स्पेशल यूनिट्स क्रिएट किया, फिर उसके लिए स्पेशल टीम क्रिएट की जाती है जो इनको असेस करे, ट्रीट करे। लेकिन उसका सोल पर्पस यही है कि जब आपने उसको ट्रीट कर लिया या वो हो जाता है तो क्या आपकी सोसाइटी इसको दोबारा सेफ समझती है कि नहीं। सो इट्स द रोल ऑफ द साइकियाट्रिस्ट। डू वी हैव दिस सिस्टम, ये जो आपने पूरा इस वक्त मेंशन किया, पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम है क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इस स्पेशलिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो अभी हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पे एटलीस्ट, क्योंकि प्राइवेट लेवल पे या इंडिपेंडेंट लेवल में या ऐसा करना मुश्किल है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो फिर लुक आफ्टर करते हैं, फिर ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं। जिस तरह ये इंसिडेंट जो है, मैं सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगी, बिकॉज जो आपने मुझे ब्रीफ दिया, आई थिंक यू आर वेरी वेल इक्विप्ड टू आंसर दिस, कि बहुत सारे लोग इस वक्त जो है, या जो सबसे पहली बात जो कोई भी करता है, जो बहुत से लोगों ने की क्योंकि इनके पेरेंट्स उमरा पे गए हुए थे, कि ऐसी बच्चियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, या ये लोग जो कमिट करते हैं इस तरह का क्राइम, जो रेप करते हैं या जो मोलेस्ट करते हैं, दे आर समहाउ अराउज्ड बाय हु दे सी, कि ये जो एक क्राइम है, दिस इज़ अ क्राइम ऑफ, आई डोंट नो इफ यू विल कॉल इट अ क्राइम ऑफ पैशन, या ये फ्रस्ट्रेशन है, या ये कुछ है, इज इट रिलेटेड टू दैट, या ये कुछ और है, ये शो ऑफ पावर है? हाँ, आई थिंक जो बात आप कर रहे हैं और जो कुछ मैंने भी टीवी पे देखा है, तो इसमें ना दो तीन चीज़ें जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क्रिमिनोलॉजी एक चीज़ है, रेप एक चीज़ है, और उसके बाद मर्डर एक चीज़ है। सो पीडोफाइल वो है जो कि बच्चों के साथ सेक्स करता है, और दैट्स ऑब्वियसली अ सेक्सुअल डिसऑर्डर व्हिच वी पैराफिलिया कहते हैं। रेपिस्ट वो है जिसके लिए ज़रूरी नहीं है उसको मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि रेपिस्ट तो कंसेंसुअल रेप भी कर सकता है, मतलब है रेपिस्ट की बहुत सी क्लासिफिकेशन है। हमारे लिए उसकी टाइपोलॉजी जिसके अंदर कोई आदमी बच्चों के साथ सेक्स भी करे और उसके बाद मर्डर भी करे, उसकी भी एक टाइपोलॉजी है। अच्छा। अब क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ मुझे अभी तक बहुत सा मीडिया पर नज़र आई, उसमें एक बात समझने की है कि दिस इज़ नॉट द ओनली केस जो पाकिस्तान में हुआ, एंड आई होप एंड प्रे टू गॉड कि ऐसा कभी ना हो। लेकिन जो चीज़ मुझे अभी समझ आती है एज एन एनालिस्ट, वो ये है कि
ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گریف ریئیکشن. کوئی بھی لاس ہوگا آپ کو ہوگا. اس وقت نیشن ایز اے ہول یا سوسائٹی یا کنٹری ہوز گون تھرو گریف ریئیکشن. تو گریف ریئیکشن کی نا فور سٹیجز ہیں جو ویل نون ہیں. اس کے اندر پہلے اینگر ہے, پھر ڈینائل ہے, پھر ایڈجسٹمنٹ ہے, پھر ایکسیپٹنس ہے. ابھی تو ہم سب آف کورس ڈینائل اور شوق میں سے اینگر میں. سو اسے اینگر کے اندر یہ ماس موومنٹ ہے, سو اٹس لائک اے ماس گریف ریئیکشن وچ وی کین انڈرسٹینڈ. تو دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ یہ جو دوسری چیزیں مجھے جو سمجھ ابھی میرے خیال کے مطابق جو باقی کے چینلز میں بھی کل نہ بہت ساری ایک میڈیا میں موومنٹس ہیں, مطلب ٹی وی اسٹارز ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سیکچوئل ایجوکیشن بچوں کو پڑھا دینی چاہیے اور اس سے بہت فرق پڑے گا. اب یورپ کے اندر نا اٹس اے ٹرائڈ تھنگ, بچوں کے اسکول میں ایجوکیشن میں کی گئی, اس کے پھر پروز اینڈ کونز ہیں. یو ریئلی ہیو ٹو سی کہ جب یہ چیزیں آپ ایک دم کہہ دیتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے. پھر یہ ہے کہ کل میں نے دیکھا کہ آج بھی وہ میڈیا میں بہت زیادہ ایمفیسس ہے کہ کل سے بچوں کو بتا دو کہ کوئی ٹچ کرے, کچھ کیا کرے, نہ کرنا ہے. آئی مین دیر از اے وے ٹو ٹیچ دیٹ. ٹرو. اس سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جنریشن ڈیولپ کرے گی اس کو یہ لگے گا کہ گھر سے باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ ٹوٹل رسک. سو یو دین کریٹ اے فیئر. وہ بچوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی ٹھیک تھی. یہ میں مانتا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, لیکن دا میسج شوڈ ناٹ بی گیون جسٹ لائک اے نی جرک. آج ہو گیا تو فائر ہو گیا. ٹرو, بالکل. اس طرح تو سر بہت ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں, وی آر آسکنگ فار ویجیلانٹی جسٹس, وی آر آسکنگ فار باہر نکلے ڈھونڈے. کل کسی کا میں ٹویٹر کے اوپر پورا ایک ویڈیو تھی جو وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب میری ویڈیو, میری پکچر وائرل کر دی ہے, میں تو انہیں ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا, اینڈ دے آر سیئنگ یہ وہ بندہ ہے. تو اس وقت اتنا زیادہ ریج ہے کہ اس کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو پکڑ کے کوئی مار دے, کسی نے کیا ہے, پولیس نے تو کچھ نہیں کرنا. سو یہ ساری چیزیں ایک طرف, لیکن وٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام وٹ آل سیلیبریٹیز آر سیئنگ اینڈ وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے, وی ٹرائی ٹو سے اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, یہ تو ایک انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے اوپر بات ہوگی. شی از ناٹ دا فرسٹ چائلڈ, آئی ہوپ شی از دا لاسٹ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, بٹ شی از ناٹ دا فرسٹ. اور جو بار بار بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک جس کو ہم, یہ شرم ہے نہیں, اس کو ہم لیبل جو شرم کرتے ہیں نا کہ نہیں, اگر آپ کو بچہ آ کے کچھ اس طرح کی بات بتا بھی دیتا ہے کہ وہ انکل آئے تھے, انکل نے مجھے ایسا کہا, سو کسی کو نہیں بتانا, کچھ نہیں کرنا, کوئی بات نہیں, آئندہ ان کے پاس نہیں جانا. تو انلیس یو ٹیل دا کڈ کہ آپ کے ساتھ انکل نے کیا کیا ہے اور یہ کیوں غلط ہے اور آپ کو کیوں اگلی دفعہ انہیں منع کرنا چاہیے, یا آپ آ کے مجھے بتاؤ, اٹس اوکے, دا کڈ ول نیور انڈرسٹینڈ. دا کڈ ڈیولپس دس سائیکی کہ میری غلطی تھی, مے بی آئی اٹریکٹڈ دیٹ مین, بیکاز امی کیا کریں گی, آپ کو جا کے جو ہے دوپٹہ پکڑا دیں گی, یا آپ کو کہیں گے آئندہ آپ نے فراک نہیں پہننی. تو یہ اوور دا ٹائم یہ بات آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ مائی کلوتھز, مائی بیہیویئر, مائی ڈیمینر, دس از واٹ از اٹریکٹنگ دی ادر مین. اور ہمارے بڑے بڑے اینالسٹ اور سیلیبریٹی اور یہ بات کرتے ہیں کہ بچیوں کو کور کرو, جہاں بچیاں کورڈ ہوتی ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات غلط ہے, بالکل یہ غلط ہے بات. تو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, کہ کیا جو ایک مرد ہے جو ریپسٹ بن جاتا ہے یا جو مولیسٹر بن جاتا ہے, جو پیڈو فائل ہے, وہ صرف بچے کے حولیے کو دیکھ. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ چھوٹا سا بچہ آپ کو کس طرح اس اسٹیٹ میں لے کر آ سکتا ہے, لیکن کیا واقعی اس کے لیے وہ حولیا میٹر کرتا ہے یا اس کے دماغ میں اور بھی بہت سارے فطور ہیں جو کاؤنٹ ہوں گے. دیکھیں نا, ایز اے کرمنالوجسٹ, ایز این اینالسٹ اور ایز اے سائیکوتھراپسٹ, ایک اور چیز جو میرے خیال کے مطابق مس نمبر ہے, یہ جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے, اس میں 80% لوگوں نے دیکھنے کے بعد یہ انالیسس دیا کہ چونکہ شی از کمفرٹیبل, دیٹ مینز شی نوز دا کلر. یہ بھی ایک مس نمبر اس لیے کہ وی ہیو اسٹڈیڈ دوز کیسز, مطلب ایز اے کرمنالوجسٹ, ایز اے فورینسک سائیکالوجسٹ, جو باقی کے کیس اسٹڈیز ہم نے یورپ میں کیے, اس میں ایسا بھی ہے, یہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ وہ شی تھاٹ کہ شی از سو کمفرٹیبل سو شی نوز. یہ بھی پاسبل ہے کہ وٹ ایور ہی سیڈ, مطلب میں اردو میڈ ہر کمفرٹیبل, میڈ ہر ویری گڈ پیپل سکلز, یس یس. تو وہ جو انالیسس ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بچی کو اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے. آئی مین آئی ول ناٹ اسپیک مور آن دا سبجیکٹ, اس کی وجہ ہے کہ شاید لوگ بھی دیکھتے ہیں, گھر بھی دیکھتے ہیں. اور نو, آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, زینب ہیز بیکم اے سمبل آف چینج. زینب از اے گرل جس کا نام بھی ہر جگہ یوز کیا جا رہا ہے. پرسنلی ویری اپسیٹ کہ جس طرح نو ویئر ان دا ورلڈ ڈو وی شو پکچرز, اینڈ وہ کوئی جا کے ماں باپ سے نہیں پوچھتا, اچھا کوئی اپنے بچے کی اچھی عادت تو بتا دیں, اچھا تو وہ کیا, دس ڈزنٹ ہیپن. یہ کہیں پر بھی پڑھا لکھا میڈیا ایسا نہیں کرتا ہے. زینب ہیز بیکم اے سمبل آف چینج. سو وی ٹاک اباؤٹ آل دوز گرلز, آل دوز کڈس جو ہو آر ایٹ رسک. تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کیس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, میں آپ سے پوچھوں گی. اس کیس کو جو مارننگ شو ہے یہ گاؤں کے گاؤں بیٹھ کے دیکھتے, بالکل شہر کے شہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں, اور اس کی بہت زیادہ ریچ ہے. تو میں آپ کے توسط سے میں چاہ رہی تھی کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے, کہ جو لوگوں نے جا کے, اور سب سے پہلی بات کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن ان قصور. 2006
से लेके 2014 तक जो 280 बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी वाला जो रैकेट का पूरा वो चला था, दैट शुक द नेशन. मतलब हर सालों को नथिंग हैपेंड, देखें कितना शोर मचा था. उसके बाद ये पिछले एक साल में 12वां केस है इस इलाके का. बिल्कुल. और हर मर्तबा एक शोर भुस्सा उठता है और फिर वो समंदर की झाग की तरह बैठ जाता है, और उसके हम लोग एक लॉन्ग टर्म उस पर हम लोग नहीं सोचते. बिल्कुल. ठीक है. तो इसमें जो आपने पूछा कि इसमें किस तरह से इस चीज को हैंडल करना चाहिए, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू यूज द वर्ड ब्लेम या कसूर. लोग ये भी कह रहे हैं ना माँ बाप का कसूर था. बिल्कुल. क्योंकि देखे माँ बाप ट्रेवल भी करेंगे, माँ बाप काम भी करेंगे, लोगों को काम भी करना होता है. लेकिन इसको दो, मैं कहती हूँ कि दो लेवल्स पे देखना है. एक ये कि एक किसका किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं कसूर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, मैं जिम्मेदारी का लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रही हूँ. रियासत की जिम्मेदारी है एक लेवल पे. अच्छा, आई डू नॉट अग्री कि बच्चों को एजुकेट या नहीं करना चाहिए या अवेयरनेस नहीं देनी चाहिए. सेक्स एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट. प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस देना कि अपने आप की आपने तहफ्फुज़ किस तरह से करना है. आप हर बच्चे के अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है, उस इंस्टिंक्ट को पॉलिश किस तरह से करना है, ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा. और ये सरकार का काम है और फर्ज है कि वो हर सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मैंडेटरी करे इस किस्म की अवेयरनेस सेशंस के हवाले से. ट्रेनिंग जो है, और मैं क्लियर कर दूं, हम ये बात नहीं कर रहे कि हम आपको वो सारी बातें बताना शुरू कर दें जो आप लोगों को जुमानी या वो लगती है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चे के अंदर इंस्टिंक्ट होता है, उसको पता होता है कि मैंने इन अंकल के पास जाके नहीं बैठना. बताऊं जो सबसे फेमस केस है पाकिस्तान के, जो सबसे फेमस पर्सनैलिटी है अब्दुल सत्तार ईदी, उनकी किताब में मिरर टू द ब्लाइंड में अपने बचपन के बारे में लिखते हैं कि वो क्लास 2 में He dropped out of school क्योंकि प्रिंसिपल क्लास के अंदर आया और उसने कहा अब्दुल सत्तार किधर है. और क्लास 2 का बच्चा, उसने कहा मैंने उस वक्त सेंस किया कि इस प्रिंसिपल का जो इंटेंशन है ये गलत है. मैं उठा क्लास से और मैंने दौड़ लगाई और उसके बाद पलट के मैं कभी स्कूल नहीं गया. तो ये कि उस छोटे से बच्चे की फेमस पर्सनैलिटी के साथ ये वाकया, ये भी बड़ा मशहूर एक वो है. लेकिन ये एक किताब है सुंदर, और मैं ये चाह रही थी कि आपके प्रोग्राम के तवसुत से इसको अवाम तक इसकी आगही होनी चाहिए. ये जो आपका एनजीओ है साहिल, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे काम करता है, उन्होंने ये वर्कबुक बनाई. अच्छा. मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन जब बचपन में मैंने अपने हर बच्चे के साथ बैठ के हर पेज को सही करवाया और उसकी कलरिंग करवाई थी व्हेन दे वर यंग. अच्छा. इसमें वो तमाम सिचुएशंस हैं जो हमारे जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी में बच्चा किरियाना जाता है. बिल्कुल. इलाके का किरियाना है. वहां पे वो बंदा कहता है कि आपको मैं, बेटा आप बहुत अच्छे लगे हो मुझे, मैं ये टॉफियां आप मुफ्त रख लो. सही. ठीक है. हाँ. उस सिचुएशन में क्या करना है. आप मदरसे में पढ़ने जाते हैं, सिपारा मौलवी साहब कहते हैं मेरे कमरे में पीछे मेरी ऐनक गुम गई, बेटा मेरे साथ चल के ऐनक ढूंढ दो. या पड़ोसी कहता है कि बेटा अंदर आके वो आपके अम्मी ने कल खीर भेजी थी, बर्तन ले लें. हर सिचुएशन में बच्चे को क्या रिस्पांस देनी चाहिए. फिर इसमें ये भी बताया गया कि आप पैरानॉइड ना हो, हर किसी से मत डरें, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी इंस्टिंक्ट्स को भी फॉलो करें. प्लस एक एक अगर कोई बच्चा आपको आके कहता है कि जी अमरूदों के बाग में चलते हैं, बड़ा अच्छा इसमें बताया गया है, तो बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो कहता है अच्छा फिर तुम्हारी अम्मी को बताऊंगा कि तुम आज स्कूल नहीं गए. तो किस तरह से लोग आपकी कोई ब्लैकमेल करके, कोई तो राज क्या है, राज नहीं रखने चाहिए. बहुत अच्छी किताब है, ये लड़कों के लिए भी बनाई गई है और लड़कियों के लिए भी. नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं. मैं ऑलवेज से देयर इज नो डिफरेंस, लड़के लड़कियां, हमने अपने बच्चों को महफूज करना. अभी जो कसूर में 700 केसेस हुए 2015 से अब तक, 720 टू बी प्रिसाइज जो रिपोर्टेड केसेस हैं. एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, वो क्रिमिनोलॉजिस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, द डार्क फिगर ऑफ क्राइम. डार्क फिगर ऑफ क्राइम के इतना होता है, डार्क फिगर जो रिपोर्टेड केसेस होते हैं वो इतने होते हैं. तो अगर अभी 720 केसेस हैं कसूर से इन 3 सालों में, तो आप सोच लें कि जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं उनकी क्या मकदार होगी. राइट. अच्छा, एंड ऑल्सो आई लर्न्ड कि जहां से ये बच्ची की लाश मिली है, दिस प्लेस इज नोन एज अ डंप, कि इस जगह को
इसी उससे जाना जाता है कि जितनी भी बच्चियों के साथ ज्यादती होती है देन दे डाई, तो यही डंप किया जाता है. तो क्या इलाके में सूबे में अगर आपको एक जगह आइडेंटिफाई होगी इस तरह की तो फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं. बात करना चाह रही थी कि हर काम पुलिस का नहीं हो सकता. दे कांट बी एवरीवेयर. कम्युनिटी एफर्ट्स भी होती है ना. कम्युनिटी एफर्ट्स बिल्कुल. प्लस ये एक एनजीओ उस इलाके में काम कर रही है, उन्होंने कहा एक डिसमिल किस्म की लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के अंदर के दे ट्रस्ट एवरीवन. उन लोगों ने खुद भी नहीं सीखा हुआ ये अवेयरनेस जो होनी चाहिए, अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया हुआ. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली खानदान वालों की है. अब सर्वेलेंस ना करें, स्पाय ना करें, लेकिन सुपरविजन जरूरी है. इस्लामाबाद का एक केस है जिसमें हमारे ही एक मुंशी थे कचहरी में, उनके ब्रदर इन लॉ ने अपने नेफ्यू को सोडोमाइज करके ज्यादती करके उसको पानी की टैंकी में डाल दिया था. ये कुछ 4 या 5 साल पहले का केस है. और वो बच्चा और माम पॉलीक्लिनिक में काम करती थी और जब वो मामू के पास बच्चों को छोड़ के जाती थी, वो भी सिंगल पेरेंट थी, उस काम तो करना है, तो बच्चे कहते थे अम्मी हमें मामू के पास मत छोड़ें. ये जो है ना, अब उसकी भी मजबूरी थी. जज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट यू कांट बी. लेकिन वो जो एक सुपरविजन का सेफ्टी नेट है, वो पहला जो नेट कास्ट होगा वो फैमिली की तरफ से होगा. आपके बच्चों ने आपको आके बताया, यू हैव टू टेक एक्शन. लेकिन अगर वो ब्रीच हो जाए तो बच्चे को भी तो आपने सिखाना है कि उसने अपना दिफा कैसे करना है. तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है. आई थिंक सारे एजुकेशनिस्ट, सारे माँ बाप, सारे कम्युनिटी वाले इस चीज को अब सीरियसली लें. इस बच्ची की जिंदगी जो जा चुकी है वो जाया ना जाए, और इधर से लेके हम इसमें काम शुरू करें. मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में आई हूँ ताकि ये नहीं थैंक यू सो मच दैट यू आर हियर. मैं यहाँ पर एक और, मैंने कल भी ये बात की थी कि मैं सब कुछ काला करके यहाँ पर सिर्फ रोना नहीं चाहती कि हाय ये क्या हो गया. शी इज नॉट द फर्स्ट गर्ल, दिस हैपेंस. लेकिन हमने करना क्या है एज अ नेशन? दिस ये ऐसी भी बात नहीं है कि इसको रद्द कर दिया जाए. इट इज एज ग्रेव, इतनी ही बुरी बात है ये, इतनी ही दुख की बात है हर बच्ची के लिए, हर बच्चे के लिए. सो लेट्स मेक दिस अ सिंबल ऑफ चेंज. सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो सिखाती हैं कि लोगों को करना क्या होता है. इस केस को एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझने का तरीका ये है कि जब मैं कैम्ब्रिज में था और यूके पे, यू कैन गूगल एंड एवरीवन विल फाइंड, एक बहुत बड़ा केस हुआ वहाँ पे. इयान हंटले, इयान हंटले जो तो केयर टेकर था एक स्कूल का, और सोहम केस उसे कहते हैं. उसके अंदर स्कूल की दो बच्चियाँ थी, पहले इसी बच्ची की एज की, और उन दोनों बच्चियों को मर्डर, रेप, और उसके बाद एक 15 मंथ्स उनको लगे. और उसके बाद उन्होंने इस मर्डर को, जो कि केयर टेकर था स्कूल का, उन्होंने उसे अरेस्ट किया. अब वो कन्विक्टेड है, ऑफकोर्स अरेस्टेड है, वो प्रिजन में है. अच्छा. और उसको 2042 तक उन्होंने बाहर नहीं आने देना, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द लाइफ प्रिंसिपल दिस मैन इज़ गॉड. इससे बताने का मकसद ये था कि उसके बाद उन्होंने स्टडी करके देखा कि हमारी सोसाइटी में क्या गलतियाँ हो गई कि हमारे स्कूल से दो बच्चियाँ उसी स्कूल में रहती हुई मिस कैसे हम कर गए. सो इज़ अ बिग इंक्वायरी दैट दे डिड एंड दे लर्न द लेसन. लेसन के बाद उनमें से एक जो टिप थी उन्होंने शुरू की जो आज तक चलती है, वो ये उन्होंने कहा कि आज के बाद जितने इदारों में लोग काम करेंगे, स्कूल से लेके, मॉक से लेके, इंस्टीट्यूट से लेके, उनका जो DBS है, जैसे कहते हैं कि डिस्क्लोजर क्लोजर, आपको बताना होगा कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में अगर किसी जगह पे कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उसकी क्लियरेंस नहीं होगी, ये जॉब नहीं कर सकते. क्योंकि ये जो आदमी था, इसकी पास्ट हिस्ट्री के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस थे जो कि इग्नोर कर गए जब उन्होंने रेफरेंसेस मांगे. तो उसके बाद से आज तक जो पहली चीज कोई भी मुल्क करेगा, जो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल पे क्या करना चाहिए कि आपको एक जिसको सेक्स रजिस्ट्री कहते हैं, अगर आपका जब एक क्राइम हो गया, आई मीन्स हमारा सब में, मुल्क में, सोसाइटी में, तो जो क्रिमिनल एजेंसीज हैं, जो जुडिशियल एजेंसीज हैं, जो एजेंसीज को लुक आफ्टर करती हैं, दे मेक अ डेटा. उस डेटा के अंदर एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंस है कि आप उन लोगों को देखते कहाँ हो, सर्वेलेंस कैसे करते हो, ट्रीट कैसे करते हो, कम्युनिटी में वो जाते कहाँ हैं, आते क्या हैं. ये जो क्राइम है इसके अंदर जब पहली इस वक्त तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो आदमी है कहाँ और मौजूद है कहाँ, कौन है कहाँ है. सर मैं सॉरी, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ. जो आपने बात की है बहुत अच्छी है. आई डोंट नो इफ माई फैक्ट्स आर राइट और नॉट, बट आई थिंक बैक इन 1960s or 1970s देयर वाज अ केस इन टेक्सास जहाँ पे इसी तरह 7 साल की बच्ची थी, उसके साथ ज्यादती हुई. एंड उसके बाद उन्होंने अपना लॉ ये बनाया कि जितने भी सेक्स ऑफेंडर्स हैं, जिस तरह आपने बात की कि वो अगर सिर्फ रिपोर्ट भी हो गए हैं समथिंग, तो उनका चेंज ऑफ एड्रेस, उनकी चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर चीज साथ में रजिस्टर होती है कि इस वक्त वो बंदा किस इलाके में है और कहाँ है. दिस मेक्स इट वेरी इजी टू ट्रैक दैट पर्सन. छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर कॉन्टिन्यू करेंगे.
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग. हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आप जो है किस तरह ट्रैक कर सकते हैं इन ऑफेंडर्स को. आप सर मुझे बता रहे थे, यू कैन कंटिन्यू, यू डिडंट फिनिश, आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, कि ये एक तरीका है कि रजिस्ट्री बना ली जाए. जी जी, रजिस्ट्री जो है ना उसका एडवांटेज ये है कि जिस तरह अभी ये करंट जो सिचुएशन है वो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए जिस आदमी के ऊपर डाउट है या नहीं है उसको अप्रीहेंड करना ज़रूरी है. तो क्राइसिस इस वक्त ये है कि दिस इज़ लाइक थर्ड डे और टू डे. अभी तक लोग समझते हैं कि जिसको चीफ मिनिस्टर ने या सब ने कहा अभी तक ने उसको अरेस्ट तो किया नहीं. तो चूंकि एंगर डेसिपेट नहीं होगा जब तक आप फेस नहीं देखेंगे जिसने किया, तो इस हिस्से में भी एक रोल है जो प्ले करना पड़ता है. उसके अंदर एनालिसिस इस चीज़ की है कि जब आप चाहते हैं कि वो आदमी जिसने किया है उसकी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करनी पड़ती. अच्छा. क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का मतलब यह है कि हर मुजरिम जुर्म करने के साथ अपने कुछ सिग्नेचर्स छोड़ के जाता है. तो ये जो ट्रेनिंग है हमारी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की या बिहेवियर एनालिसिस की, वो ये कि जो जो वो चीज़ें करके जाता है वो आपको क्लू देता है. अब इसमें एक क्लू जो सबसे बड़ा इनके लिए है जिसपे वो आई एम श्योर वो काम भी करेंगे कि अगर एक साल के अंदर 11 केसेस हुए और 7 केसेस में से 6 में डीएनए सैंपल वही है. डीएनए सैंपल टेल्स यू अ लॉट. फिर ये कि ये जो सीसीटीवी है इट यू हैव टू गो थ्रू ऑब्वियसली सेकंड बाय सेकंड टू दिस फ्रेम एंड फ्रेम और आपको बहुत सारी चीज़ें क्यू फैक्टर्स देता है. फिर उसमें ये भी है कि वो जो एक बच्ची ऐसी है जो शुक्र है कि उनको इसी हादसे के बाद वो बच गई ना, उसका एविडेंस बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ यहाँ पे इतनी अनयूजुअल है, उनके फादर पेरेंट्स घर से वापस आए तो मैंने देखा कि रात को एक टीवी एंकर ने उनसे पूरा इंटरव्यू लिया, वही क्वेश्चंस पूछे जो वी आर ट्रेंड टू गो एंड प्रॉब्ली आस. तो फिर क्या कि सजेस्टेबिलिटी आई थी. जब आप जाके काम करना चाहेंगे इससे पहले आपने जिसे हम कहते हैं यू नो यू जस्ट कंटामिनेटेड व्हाट वी रियली वांट टू फाइंड. यस, कंटामिनेटेड द एविडेंस. बिल्कुल बिल्कुल. पूरी दुनिया में इसका प्रोसीजर ये है कि आप जब ये सब कुछ करते हैं तो उसको प्रिजर्व करते हैं. एंड दैट्स व्हाट द एजेंसी इज सपोज्ड. ये तो मीडिया ट्रायल हो रहा है ना, ये तो मतलब साथ साथ आपको मिनट बाय मिनट हम बता रहे हैं. मैं बता तो रही हूँ कि मतलब वो जो एक तमीज होती है ना, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, मतलब यू हैव टू वर्क विद. मसला पता है क्या है, आई कांट ब्लेम वन और द अदर. लोगों का एतबार इतना टूट चुका है हर किसी में. द प्रोटेक्टर्स जो है ना वो हमारे लिए प्रेडेटर्स बन गए, जिनसे हमें पहले उम्मीद थी कि ये आके बचाएंगे, ये हमारे लॉयर्स हैं, हमारा केस लड़ेंगे, ये पुलिस है, ये हमें बचाएगी. उनसे हम इतने डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि नाउ वी आर लाइक, हम खुद बैठे हुए होते हैं यू नो टीवी लगा के पूरा दिन कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. बिकॉज हमारी सारी उम्मीदें ही मीडिया से कि वो किसी तरह पूछ जाएंगे, चाहे वो 10 बेतुके सवाल करें, एक शायद वो ऐसा कर लें जिससे हमें पता चल जाए कौन. कल दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग कि वो पकड़ा गया, एंड देन देयर सेइंग नहीं नहीं पकड़ा गया. So, आप सोचे ना कि वो आपके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है. सर मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि फॉर द पीपल, जिस तरह आपने कहा बहुत अच्छी बात की कि इट्स नॉट सिर्फ एक एरिया की जिम्मेदारी, ये कभी भी नहीं होती, ना सिर्फ आपका जो है गवर्नमेंट का सरबरा होता है उसकी जिम्मेदारी कि वो हर बच्ची का ख्याल रखे. सो इट स्टार्ट्स एट होम. कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो आपको बता सके, क्योंकि बच्चे इस बारे में वोकल नहीं, बड़ा टाइम लगेगा उनके साथ ये बात करने में, कम्युनिटी में चीज लेकर आने में, कि वो इजिली बता सकें कैसा हुआ है. पहले वो अपने आप को ब्लेम करना तो खत्म करें ना. तो आपको पता चल जाए कि मेरे बेटे का या बेटी का बिहेवियर इतना चेंज हुआ है कि आप खुद इनिशिएट करें कॉन्वर्सेशन. कुछ इस तरह के आइडेंटिफायर्स या मार्कर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि मेरी सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस के अंदर भी हम करंटली भी और आजकल भी बहुत सारे ऐसे या कुछ ऐसे केसेस से इत्तेफाक है जिनके अंदर बदकिस्मती से वी कॉल एज द सर्वाइवर्स. तो उनको बचपन में ऐसे इंसिडेंट्स हुए और वो आज तक सर्वाइव करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ, उनके इमोशंस कम्प्लीटली डिस्टर्ब हुए हैं और वो बहुत मुश्किल में है. और इस इंसिडेंट्स के बाद उनको रिवोक भी हुआ क्योंकि कोर्स उनको बहुत तकलीफ देता है. इसमें ना स्टेटिस्टिकली जानने की ज़रूरत है कि कोई भी माँ बाप, मेरी भी बेटियाँ हैं और बल्कि बेटियों की भी बेटियाँ हैं, सो वी आर ऑल वेरी केयरफुल. ये जो चीज़ स्टेटिस्टिक्स है वो बहुत कुछ सिखाती है. मसलन आज भी बहुत सारे लोग एविडेंस ये है कि ये जब सेक्शुअल ऑफेंडर्स जो हैं या जिनको हम पीडोफाइल्स कहते हैं उनका स्टेटिस्टिकली ज़्यादा ये है कि वो लोग हैं जो स्ट्रेंजर्स नहीं थे, आपके जानने वाले थे. जानने वाले का कैंपस जो है ना, कैनवस वो इनलार्ज रखिएगा. पहली तो मेरी इस एग्जांपल, जानने वाले का क्या मतलब है? जानने वाला मतलब ये भी हो सकता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो मेरे घर मुलाजिम हैं, ये भी हो सकता है जो स्कूल में है, ये भी हो सकता है जो उसको ले जाते हैं. सो एक सेंस में तो ये पैनिक बटन है. लेकिन यह कि कितनी दफ़ा लोग ये समझते हैं कि जिस लोग को आप ट्रस्ट कहते हैं उसका बैलेंस बड़ा, मतलब मैं अपने किसी एम्प्लॉय पर ट्रस्ट भी करना चाहता हूँ और इसके अलावा अपने बच्चे को ये भी सिखाना चाहता हूँ कि तुमने इंडिपेंडेंटली कैसे डिसीजन लेना. चेंजेस बच्चों में जो आती हैं, जो हमने देखी है, वो ये कि वो खामोश हो जाता है.
उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि उसके इंटरेस्ट कम हो जाते हैं. उससे ये भी देखा जा सकता है कि वो चीज़ों पे इज्जत करना शुरू हो जो पहले नहीं करता था. अगर तो ये एज 3 years 4 years ऑनवर्ड है तो वो बच्चे की ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, स्कूल हैबिट्स, क्लीनिंग हैबिट्स, इन चीज़ों में चेंज आती है. माँ बाप को लगता है कि शायद हमारी ट्रेनिंग में कोई चीज़ मिस हो रही है या हम सिखाने में कोई मिस्टेक कर रहे हैं. लेकिन वो ये भी कहता है कि मैंने सपोज स्कूल नहीं जाना, मैंने इस ड्राइवर के साथ नहीं जाना, मैंने भाई के साथ अकेले, आपने मुझे ना मामू के साथ ना छोड़े मुझे सर ने बताया. तो मतलब आपने अपने बच्चे को कहा या बच्ची को कहा कि तुम स्कूल मदरसे में पढ़ने जाना, उसने कहा कि आज नहीं मैं जाऊंगी और अब नहीं मैंने जाना, तो आपने उसे मार के कहा कि तुम मस्जिद नहीं जाना चाहती, ये तुम कैसी बातें करो. तो वो कह वार्निंग साइंस हैं ये सारे. मतलब ये वार्निंग साइंस तो 3 years 4 years जब वो कह नहीं सकती, 10 years ऑनवर्ड्स अगर ऐसा होता तो ऑफकोर्स चेंजेस विल बी डिफरेंट. लोगों के मूड चेंजेस हो सकते हैं, उनको एंगर आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है, अनॉयंस आ सकता है, एंगजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, उनकी डेवलपमेंट में चेंजेस आ सकते हैं. तो माँ बाप की जो चीज़ ज़रूरी हुई है कि मैं अगर अपने बच्चों के साथ सुबह शाम काम करता हूँ, उनको टाइम देता हूँ. दूसरा देखिए, सोसाइटी पर से भी ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. इसी बार में जिस वक्त मैं आपसे बात करता हूँ, आई डोंट वॉच द टेलीविजन दैट मच, लेकिन मैं कभी कभी ग्लांस थ्रू शाम को करता हूँ, ये जो आपका पीक आज में टीवी पे प्लेस चल रहे होते हैं, इन ड्रामों के अंदर जो मैसेज आप देते हैं उसके अंदर आप इतना ज़्यादा लिबरलाइजेशन दिखाते हैं कि नानी भी जो मर्जी कर ले, पोती भी जो मर्जी कर ले, खावन ने दूसरी बीवी के साथ भी कुछ कर ले. तो मुझे बताया ना ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही लम्हे मैं आपसे कहूँ कि मैं बहुत अच्छा सिखाने वाला हूँ बच्ची को, तो मैं कोई हाथ लगा तो मुझे बता देना, उसी शाम में टीवी बैठ के उसके साथ देखती हूँ. इसमें कोई मजायका नहीं है ये कहने में मोहब्बत कैसे करनी और कैसे नहीं करनी, किसी ने मारा या नहीं मारा. तो यू नो यू कांट गिव डबल मैसेजेस. इसी तरह सोसाइटी के अंदर ये लोग भी मौजूद हैं जिनको आप पीडोफाइल्स कहते हैं. सेक्चुअल ऑफेंसेस का क्या मतलब है? 15 साल पहले मैं इस मुल्क में आया तो जब मैं पेशेंट्स देखता था लोगों को डर लगता था जब मैं उनसे सवाल पूछता था, क्योंकि हमें तो सिखाया गया था कि भाई आप किसी से नशा करते हैं या कुछ ऐसी चीज शराब पीते हैं, वो कहते थे नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं बिल्कुल. अब अगर मैं नहीं पूछता तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब शराब भी पी लेते हैं, कोकेन भी ले लेते हैं इसी शहर में. बिल्कुल. उस वक्त आपके पास ये जो ऐप फोन है, आइडियल्स चेंज हो गए. तो मैं आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास सर्वेंट्स भी घर में काम करते हैं, ये सड़क पे चलते हुए 50 लोग काम करते हैं. कितनी देर लगती है मुझे डाउनलोड करने में? ये जो आदमी जो भी है जिसको तो हम जैसे लोगों ने स्टडी करके बताना है, सेक्चुअल ऑफेंसेस क्रिएट करने से वैसे सेक्चुअल फैंटेसीज आती है. सेक्चुअल फैंटेसीज बच्चों के लाने के लिए इट्स सच अ सेक्सुअल वायलेंस एंड अग्रेशन जिस पे मुझे 30 साल लगे काम करते हुए. एंड यू नो आई यूज्ड टू वर्क विद पीपल हु आर साइकोपैथ्स. मतलब मेरी स्पेशलिटी है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ, जहाँ पे मैंने उस आदमी के साथ घंटों काम किया जिसने मुझसे ये कहा था कि मैंने अपनी माँ का सर काट के उसके सर के साथ सेक्स किया था. ओह माय गॉड. मतलब मैं डराने के लिए नहीं कह रहा. तो इसी सिकनेस और लेवल में आने से पहले उस सोसाइटी को और अपनी सोसाइटी को कंपेयर करना जरूरी. मुझे ये समझ नहीं आती कि सब लोग ये बैठ के तो जरूर कह सकते हैं, ये एक सेंस में वेकअप कॉल है. लेकिन एज अ सोसाइटी ये चीज देखो कि तुम दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं कर सकते. मतलब अगर आप समझते हैं कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि देखो तुम्हें मस्जिद में जाते आते टीचर ड्राइवर, तुम्हें अकेले भाई के साथ नहीं जाना और तुम्हें कमरे में नहीं बैठना, हम तुम्हारे साथ मौजूद होंगे, एक एंगल तो बहुत अच्छा है. उसके साथ तुम रिलीजन का एंगल भी सिखाओ, फिर तीसरी चीज़ वो सब करो, फिर ऐड करके भी तो दिखाओ ना. मतलब ये सब कुछ ठीक है, देन ऑफकोर्स हमारे पास स्मार्ट स्कूल्स भी हैं जहाँ पे बच्चे ने जाके सीखना है. अब ये तो आपका आज का प्रोग्राम नहीं, लेकिन एक दिन ये भी कीजिएगा कि जितने वहाँ पे स्कूल्स हैं जिनको स्मार्ट स्कूल्स कहते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि लेवल ऑफ ड्रग्स क्या है वहाँ पे. लेवल ऑफ ड्रग्स का मतलब है एक चीज दूसरी चीज को प्रमोट करती. अगर मुझे नशा चाहिए तो मैं कुछ चीज दूंगा तो नशा मिलेगा, क्योंकि घर वालों ने तो पैसे देने नहीं. सो इधर आई विल सेल माय सेल्फ और आई विल सेल सम आर्टिकल. फिर इसके साथ और भी चीजें जाएंगी. तो मतलब सोसाइटी, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी सोसाइटी में चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये इन सारी चीजों का जो है ज्यादा. मतलब ये बच्ची का केस इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बन गया कि जिस तरह भी हमारा ने कहा, मतलब एक साल के अंदर आपके पास इतने सारे केसेस आ गए. 2015 में मैंने आर्टिकल लिखा कसूर के बच्चों के स्कैंडल केस के ऊपर, 280 बच्चे इन्वॉल्व थे. खान भामरा के क्या वो विलेज है? उसके बाद आपने लॉ बना दिया कि ये हम कर देते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं होगी. ये लेजिस्लेशन ने ये किया. चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो पूरी दुनिया में जहाँ पे पॉर्न देख भी सकते हैं ना, वहाँ पे भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं है. दिस इज वन थिंग जो पूरी दुनिया में बैंड है, कि यहाँ तक कि अगर आपके पास पोजेशन में मिल जाए, फिर भी अगर आपकी पोजेशन में भी मिल जाए इस तरह की कोई चीज, तो आप जेल जा सकते हैं घर बैठे. आपने किसी बच्चा कोई भी आपके पास ना हो, जस्ट वॉचिंग इट कैन गेट यू इनटू जेल. तो वो तो कहीं पर भी नहीं. हमारी लेजिस्लेशन तो बड़ी कोताही है कि पहले नहीं थी. तो अगर ऐसा है तो बड़ा स्कैंडल उसी शहर में हुआ. हाँ. उसके बाद अरेस्ट किए लोगों को, उसके बाद ये लॉ चेंज हो गया. वो लोगों के जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे,
मैं आप पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, लेकिन ये मतलब एप्रीहेंशन, यही लोग थे, यही कौम थी, यही सब कुछ था. इतना बड़ा उन बच्चों के ज्यादती और अगली जो जनरेशन उनको हमारी तरह देखेगी, कई सदियों तक उन बच्चों पे जो इम्प्रिंट्स हैं वो अभी सफर करेंगे. मतलब आपने एक बच्चे के साथ अब्यूज़ किया, फिर उसके पॉर्न वीडियोस बनाए, फिर उसको एक्सप्लॉइट किया, उसकी पर्सनालिटी तो गई सारी लाइफ के लिए. वो जो लोग थे उनकी अप्रिहेंशन तो हुई नहीं. अब क्वेश्चन क्या है कि क्या अब हम क्या चाहते हैं इस बच्ची के बाद? अगर तो कौम ये समझती है, कौम इज़ अ बिग वर्ड फॉर मी, मतलब हम सब उसी का हिस्सा हैं. अगर तो हम ये समझते हैं कि गुस्सा इस बात का है कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया और उस आदमी की शक्ल दिखा के उसको सजा देनी चाहिए, और इसके बाद हम अगले दिन अगला शो करने वाले हैं, फिर तो इट्स जस्ट लाइक अनदर थिंग अनदर डे, कोई फायदा नहीं. इंस्टीट्यूट्स बना लीजिए, इसके बाद इन चीज़ों में से सजा भी देने के साथ ये जान लीजिए सोसाइटी, माशरा, कल्चर किस तरह क्रिएट करता है, कौन सी चेंजेस हमें भी लानी चाहिए, फिर एक और प्रोग्राम कीजिए, फिर जाइए इन्हीं लोगों के पास, पूछिए क्या क्या तब्दीलियाँ हम लाएँ, उससे क्या कुछ फ़र्क हो. आज अगर मुझे ये सारा कुछ करने के बाद, ये कल के वाक्य में कल भी न्यूज़ में एक और पंजाब का कोई शहर है, वहाँ पर 11 साल का बच्चा है. And they actually killed him. They found the body in the dump. ये जो dump body है ना, जी सब दो या तीन cases हैं. तीन एक और बच्ची from different Punjab, जिसमें 6 साल की बच्ची भी जो है हुई है. मेरा you have worked with these victims. ठीक है, आपने बहुत, तो उनका क्या जो है life quality आगे क्या होती है? Do they see hope? Do they want to get better? ये जो बच्चियाँ हैं जिनके लिए अभी they're fighting for their life, जो 6 साल की बच्चियाँ हैं, जो भी हो, who are survivors of rape, इनका आगे क्या जिंदगी की क्वालिटी होती है या वो क्या देखती है फ्यूचर में? देखें, विक्टिम्स जो हैं, जो या तो दे आर वेरी स्ट्रांग इन दे सर्वाइव, ठीक है, ईदर दे सर्वाइवर्स ईदर, और या तो फिर वो दे गिव इन, और उन लोगों के अंदर बहुत सारी मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं. मैं लेकिन आज का जो, जैसे मैंने कहा था, मैं आई इस एक ही मकसद से उस वीडियो की भी आपने मुझे बात बतानी है, प्लीज वीडियो का भी बिल्कुल इसको मेंशन करूंगी. पब्लिक सर्विस मैसेजेस साहिल ने प्रोड्यूस किए थे, पीएसएम जिनको हम कहते हैं, और वो वेरियस जगहों पर इनको चलाते थे, जिस तरह बस के अड्डों पे और इस तरह. तो डेहू के एक बस के अड्डे पे एक छोटी सी बच्ची ने ये पब्लिक सर्विस मैसेज देखा, जिसका ताल्लुक यही किताब से था, मेरी हिफाजत के, अपना दिफा किस तरह करना है. क्या कंटेंट था उसका? वो मुझे सही याद नहीं है, कुछ चंद साल पहले की बात है. साहिल वालों ने ये बात हम लोगों से शेयर की थी. तो वो बच्ची फिर बस पे चढ़ी, एक जगह वो सफर पे जा रही थी, फिर जब बस रुकी है, जो स्टॉप स्टेशन आते हैं इनके, तो वहां पर किसी ने उसको असॉल्ट करने की कोशिश की. वो अपने माँ बाप के साथ ही थी, या क्या, वॉशरूम तक गई, कुछ हुआ, और एकदम उसने शोर मचाया और अपना दिफा किया और बहुत इफेक्टिवली किया, और वो बच गई. फिर जब उससे पूछा तो उसने कहा कि पिछले वाले जब वो ठहरे हुए थे टू बोर्ड द बस, तो उसने कहा कि इस बस स्टेशन के ऊपर ये मैसेज आ रहा था, तो उसको मैंने देख के उसने वहां से क्यू लिया. वो बार बार मैं ये इसी बात पे इसलिए वो कर रही हूँ कि अवेयरनेस डज मेक अ डिफरेंस, मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, अवेयरनेस विल मेक अ लॉट. क्योंकि आप कितने ही लॉज बना लें, लॉ या एक, अब कितने लोगों को सजाए मौत दे देंगे, यू सी, कितने लोगों को आप लॉकअप कर देंगे. वो डार्क फिगर ऑफ क्राइम इज ह्यूज, तो आपको फिर ये मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इस्तेमाल करना पड़ेगा. बच्चों की सुपरविजन भी, अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह निभाना पड़ेगा. आप जिस तरह सऊदी अरेबिया में, मेरे बच्चों ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग सऊदी अरेबिया में की, तो जिस कंपाउंड से भी बस चलती थी उसमें एक मदर जरूर होती थी, छुट्टी के वक्त भी और ड्रॉप करते वक्त भी बच्चों को. अब ये एक सोसाइटल चीज है, एक सोसाइटल चीज है, ये कम्युनिटी एफर्ट है. बच्चे आते हैं भर भर के सुजुकियों में, बसेस में, आई नेवर सी कि वहां पर कोई पेरेंट या कोई बड़ा सुपरवाइज कर रहा हो, सिवाय जो कि ड्राइवर और कंडक्टर है. और ये हो, मतलब तो ये कम्युनिटी के चेंजेस लाने, कम्युनिटी एफर्ट. छोटी सी ब्रेक के टाइम में वापस आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट मैं और आप क्या कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट हम लोग, अपने आप से चेंज स्टार्ट होती है ना. व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. उसके बाद वी विल गो एंड वी विल प्ले द ब्लेम गेम. छोटी सी ब्रेक के बाद.